गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी ख़वातीन, मेरी मैके वालियों, मेरी सगे वालियों, और क्या मेरी सहेलियों, मेरी दोस्तों, मेरी खालाएं, मेरी नानियां, मेरी दादियां, मेरी बहुत सारी दुआएं देने वाली ख़वातीन, हैप्पी वुमेंस डे आपको, औरतों का आलमी दिन आज बहुत बहुत मुबारक। और आपको पता है इस दफ़ा, इस साल औरतों का जो आलमी दिन है उसका मैसेज क्या है? बी बोल्ड फॉर चेंज, यानी कि तैयार रहो अगर अपने आप को चेंज करना है, ज़रा बोल्ड बनकर तैयार रहो चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, हिम्मत पैदा करो। क्या ज़िंदगी में चेंज नहीं होता ना तो आपके अपने भी आपसे बोर हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में चेंज लाना। जैसे कल हमने चेंज किया उन ख़वातीन को जो अपना ख्याल रखना भूल गई थी, आपका ख्याल रख रही हैं, अपनी फैमिली का ख्याल रख रही हैं, तो हमने उनको चेंज करने की कोशिश की। ज़रूरी नहीं है कि अपने आप को चेंज करने के लिए आप बाल कटवा दें, ज़रूरी नहीं है कि अपने आप को चेंज करने के लिए आप अपना लिबास बदल लें, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को चेंज करने के लिए मोहल्ला बदल लें, कमरे की सेटिंग चेंज कर लें। मैं बात कर रही हूँ दिमाग की, अपने दिमाग को चेंज करें। अपने दिमाग को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हमारे माशरे में होता है कि मर्दों के मुकाबले में औरतों को बहुत कमतर समझा जाता है, और हम शिकायत भी करते हैं कि लाइक अगर आप बेटी हैं घर की और आपके घर में मर्द और औरत बराबर नहीं है तो बेटों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, फिर जब आप बहन हैं तो भाइयों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, फिर अगर आप बीवी हैं तो मियाँ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, फिर आप ख़ुद भी यही गलती करती हैं। जब आप माँ बनती हैं तो आप अपनी बेटी को थोड़ा पीछे रखती हैं, बेटे को थोड़ा आगे रखती हैं। ये गलतियाँ आपसे ही होती चली आ रही हैं और ये एक लूप बन चुका है। तो अगर आपको चेंज करना है, इस गलती को सुधारना है, तो आपको अपने दिमाग को चेंज करना पड़ेगा, हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी। बी बोल्ड फॉर अ चेंज, है ना? सही बात है। अच्छा, अक्सर आप ये सोचते हैं कि मॉर्निंग शो होस्ट जो है ना वो भड़काती रहती है औरतों को, चलो बाहर निकलो, काम करो, अपने पैरों पे खड़े हो। अरे भाई, ज़रूरी नहीं है कि आपको काम करना है या अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं तो आप घर से बाहर निकले। आप अपने घर में, अपने किचन में रहते हुए भी अपनी ज़िंदगी में चेंज ला सकती हैं। आप अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, आप अपने घर को इतना खूबसूरत बना सकती हैं, आप अपने घर से ही कोई काम शुरू कर सकती हैं। सिर्फ आपको थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, जो मैं आपको बता रही हूँ कि वो आपको किसी मर्द से नहीं मिलेगी। बहुत कम हस्बैंड ऐसे होते हैं, बहुत कम ऐसे भाई होते हैं, बहुत कम ऐसे बाप होते हैं जो आपको हिम्मत दें कि कुछ करो ज़िंदगी में, कुछ बनो। ढूंढना पड़ता है ऐसे लोगों को, मगर मुझ जैसी ख़वातीन बहुत सारी आपको मिलेंगी जो आपको धक्का देंगी। और आपको ज़िंदगी में इसी तरह की कोई खातून ढूंढने की ज़रूरत है, कोई औरत ढूंढने की ज़रूरत है जो आपको धक्का दे कि आप ज़िंदगी में कुछ करें। और आप कर सकती हैं, आपके अंदर इतना टैलेंट है, इतनी एबिलिटी है कि आप कुछ कर सकती हैं। और कुछ करके दिखाने के लिए मैं आपको, आपके सामने मिसालें लेकर आती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी के घर में लेकर आई हूँ जिन्होंने सबसे पहले घर के अंदर रहकर अपने आप को प्रूव किया। अपने किचन से बाहर निकले बगैर उन्होंने ये कहा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ बन सकती हूँ। और उनको देखकर बहुत सारी औरतें कुछ बनने की कोशिश कर रही हैं। औरतों की खामियाँ क्या, अगर जो घरेलू औरतें हैं उनमें खामियाँ क्या निकाली जाती हैं? हाय हाय, तुम्हारे हाथ में तो जायका ही नहीं, तुम्हें तो खाना पकाना आता ही नहीं, तुम तो बहुत फुहड़ हो, तुम तो फलानी हो, तुम धमाका हो। जब औरत घर से बाहर निकलती है तो उसको अलग तरीके की बातें सुनने को मिलती हैं कि अच्छा, आप तो हर वक्त अपनी फैमिली के बारे में बात करती रहती हैं, ओहो बच्चे को पेट खराब हो गया, मियाँ जो है वो बहुत गुस्से वाले हैं, जल्दी से ऑफिस से घर भागना है। इस तरह की बहुत सारी बातें औरतों को जब भी वो किसी भी फील्ड में होती हैं वो उनको सुननी पड़ती हैं, उनको सहनी पड़ती हैं। प्रोफेशनल नहीं है, अभी छुट्टी कर ली होगी, सास बीमार होगी तो छुट्टी कर ली, बच्चा बीमार हो गया तो छुट्टी कर ली, मियाँ के ऑफिस की छुट्टी है तो छुट्टी कर ली। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ख़वातीन को सहनी पड़ती, मगर फिर भी उनको अपनी विल पावर से जीतना है, दूसरे लोगों से कंपटीशन देना है ताकि वो ये प्रूव कर सके वो किसी फील्ड में भी मर्दों से कम नहीं। और ये है आज का दिन, इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं, आलमी दिन मनाया जाता है औरतों का, वुमेंस डे। सो इफ़ यू नीड अ चेंज, इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू बी बोल्ड। आइए जी, क्या करने वाले हम? ब्रेक के बाद मैं आपके सामने लाई हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी का घर जिनको देख के आप इंस्पिरेशन लेंगे, बच्चे, घर, किचन, खाना सबको लेकर चलते हुए अपने पैरों पे खड़ी हुई और माशाल्लाह स्टेबल हैं, काफ़ी डिफिकल्ट टाइम्स भी देखे।
मुश्किलात भी पेश हैं, मगर हंसती भी मुस्कुराती हुई आपके घरों में मुस्कुराहटें बिखेर रही हैं। क्योंकि अगर अगर आपके घर में खाना अच्छा पका होगा तो आपके मियाँ के चेहरे पर, आपकी सास के चेहरे पर, आपके बच्चों के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही नाम होगा। हिंट दूँ एक कि मैं किसके घर आई हूँ। अपना प्रोग्राम हमें, ये तो आप समझ गए ना कि खाना पकाना सिखाती हैं, हमेशा अपना प्रोग्राम दुआओं से शुरू करती हैं। कुछ समझे? लोग उनकी ज्वेलरी देख रहे होते हैं, लोग उनके कपड़े देख रहे होते हैं, लोग उनकी रिस्ट वॉचेस देख रहे होते हैं, लोग उनकी बात करने का स्टाइल सीख रहे होते हैं। ये सारी मिठास उनमें कैसे आई है, ज़िंदगी की कड़वाहटों के बाद भी ये सारी मिठास कैसे समेटे बैठी? आइए लेके चलते हैं ब्रेक के बाद आपको आपकी फेवरेट श्री अनवर के ड्राइंग रूम, उनके बेडरूम, उनके किचन और तो और उनके बच्चों के साथ, उनकी फैमिली के साथ आज बहुत सारी बातें होंगी आपकी फेवरेट श्री अनवर से। तो रहिए मेरे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा क्योंकि आज का प्रोग्राम है हमेशा की तरह चेंज, सो बी बोल्ड फॉर अ चेंज। गुड मॉर्निंग, हैप्पी वुमेन्स डे। कोई भी माशरा मर्दों और औरतों पर मुश्तमिल होता है, यही वो दो बुनियादी अरकान हैं जो इस माशरे के पूरे मंजरनामे की तख्लीक़ को तश्कील करते हैं, इसकी रिवायात, तमद्दुन और अखलाकी तरतीब व तरबियत करते हैं। ये एक मुश्तरका अमल है, लेकिन अमलन हमारे माशरे में हमें इस हवाले से इंफरादियत पसंदी नज़र आती है। ये माशरा मर्दों का माशरा है, ख़वातीन को सिर्फ और सिर्फ नज़रिया ज़रूरत के तहत बरता जाता है। दुनिया का कोई भी दीन हो, कोई भी तहजीब व माशरा हो, कोई भी अखलाकी निज़ाम हो, वो इस बात की कतन इजाज़त नहीं देता कि किसी भी किस्म का जन्सी तासुब या जुल्म बढ़ता जाए। जिस माशरे में ये तमाम मजालिम रोज़मर्रा का वाक़या बन जाते हैं, वो अपनी तनज़ुली और तबाही की तरफ जल्द पहुँच जाता है। ख़वातीन का ना सिर्फ एहतराम एक कामयाब माशरे की दलील है, बल्कि उनके तमाम हकूक़ की पासदारी दरअसल एक कामयाब कौम की जमानत है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। तो मैं हूँ आपकी फेवरेट श्री आपा के घर, श्री अनवर के घर, और यहाँ उनके ड्राइंग रूम में बैठी हुई बड़े मज़े से, और मेरे सामने बड़े अच्छे वेलकम ड्रिंक भी रखी हुई है। लेकिन जो सबसे मज़े की चीज़ है वो जो कहते हैं ना कैंडी, आई कैंडी टाइप चीज़ जिसे कहते हैं, जिनसे आप, जिनके बोलने से मिठास झड़ती है, जिनको देखने से मिठास नज़र आती है, क्योंकि इनका नाम ही शीरी है, तो जो मिठास घोल के अल्लाह ताला ने इनके अंदर भेजी हुई है, आइए उससे आपको सुबह सुबह आपको महसूस करवाते हैं जी। श्री आपा हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। तालियां, वो मेरे पास ऑडियंस से ही तालियां बजाने की, तो मैं खुद आपके लिए। सो मच फॉर ऑनरिंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने घर में घुसने दिया। यू आर ऑलवेज वेलकम। श्री आपा, पहली दफ़ा मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। आपको ख़वातीन जो हैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं, आपको फॉलो करने की कोशिश करती हैं, आप उनको जो सिखाती हैं वो अजबर कर लेती हैं, अपने घरों में एक्सपेरिमेंट्स करती हैं वो सारे। श्री आपा ने कब सोचा कि मैं इस तरह लोगों की इंस्पिरेशन बनूंगी या मैं ये काम करूंगी, कुकिंग सिखाऊंगी लोगों को? कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। कभी आप पहले क्या बनना चाहती थी आप जब छोटी थी? एक्चुअली अगर आपको सच्ची बात बताऊं तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी, आई वाज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। अच्छा। मैं अपने माँ बाप की सब में छोटी भी, किचन विचन नहीं जाती थी बिल्कुल भी, कभी भी नहीं। शौक अच्छा बहुत था। अच्छा, शौक था, शौक बहुत था। अच्छा, वो शौक कहाँ से आया, अम्मी की वजह से? नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मुझे शौक बे इंतहा था कुकिंग का शुरू से। अच्छा। लेकिन कभी मुझे इजाज़त नहीं मिली घर में के किचन में जाने की, बिकॉज वी लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली। हम लोग सात चचा, पाँच सात थे, लेकिन हाँ। पांच चचा एक ही घर में रहते थे, चचियाँ, उनके बच्चे, और जब इतने सारे लोग थे तो नेचुरली फिर कुक्स थे हमारे घर में, दो तीन खानसामा थे। अच्छा। तो हमें इसलिए अलाउड नहीं था किचन में जाना कि नौकरों के बीच में, आदमियों के बीच में नहीं जाना। तो पहली दफ़ा जिंदगी में आपने जो कुकिंग की और जो लोगों ने खाई भी है, वो कौन सी एज होगी आपकी? आफ्टर आई गॉट मैरिड, थर्ड डे ऑफ माय मैरिज। यकीन आता है कोई है? आप मुझे बताएं,
यकीन आता है कि हम लड़कियों को तो पहले से शादी से पहले पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, रंगून वाला हॉल, मेमन फाउंडेशन और इस तरह के इदारों में भेजा जाता है। मैं ये समझती हूँ निदा, ट्रेनिंग दें तो अच्छी बात है और अगर ना दें तो भी मैं समझती हूँ कोई वो नहीं है, बिकॉज जब बच्ची पे पढ़ती है ना तो वो उसको करना पड़ता है। तो आप पे कब पढ़ी? मुझे शादी के तीसरे दिन। सोचे हाय हाय, तीसरे दिन ही ससुराल ने किचन में भेज दिया। मेरी सास नहीं थी, मेरे ससुर भी नहीं थे व्हेन आई गॉट मैरिड, लेकिन मेरी दो नंदे थी और उन्होंने शादी, मेरी शादी 19 मार्च को ही थी। अच्छा। 1977, इट्स गोइंग टू बी 40 इयर्स नाउ। माशाल्लाह, वाओ। अच्छा। तो मेरी शादी जिस वक्त हुई तो 23rd मार्च छुट्टी होती है जी, तो 23rd मार्च को मेरी दोनों नंदों ने मुझे हार्ट अटैक दिया। अच्छा। उन्होंने कहा भाभी आज खाना आपको बनाना है। अरे अरे, 19 को या तीसरे दिन ही? शादी के चौथे दिन, 19 को शादी हुई थी और 23rd को। एग्जैक्टली। फिर? अब मैं तो परेशान, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। हाँ। मुझे इतना नहीं पता था कि मूंग की दाल का कलर क्या है, मसूर की, आई ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं आता था। तो मैं तो परेशान हो गई। खैर, कमरे में गई, रोते रोते मम्मी को फ़ोन किया अपनी कि माँ आप बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ। उन्होंने कहा नहीं परेशान हो, कीमा बना लो और सब्जी, उन्होंने मुझे दो चीज़ बताई, डिक्टेट करवा दिया। हाँ, इतनी लौंगे डालो, इतनी, हाँ सब कुछ उन्होंने मुझे बता दिया। लेकिन मैं जो उस वक्त बता रही हूँ आपको कि जिस फैमिली से मैं आती थी, मैं टोटली स्पॉइल्ड थी और मैंने ज़िंदगी में प्याज नहीं काटी थी। आपने प्याज भी काटी उसमें? बिकॉज वो ज़माना 77 का ज़माना में आपको लाल प्याज नहीं मिलती थी। हाँ। आपको अदरक लहसुन पिसावा तो नहीं। प्याज आपने कैसे टेढ़ी मेढ़ी काटी, कैसे काटी? काटी तो कोई बात नहीं, काट ली। हाँ। लेकिन वो जो हाथ में जो स्मेल हो जाती है, वो लहसुन की छीलने की और वो जो मैं आपको बता नहीं सकती। आप मैंने खाना पका रही होंगी, आप रो रही होंगी तो आंसुओं से रो रही है और प्याज काट रही है। बहरहाल किया। हाँ। बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन गया। हाँ। और खैर, आई वॉज प्रिपेयर्ड, मुझे अच्छा। पहले से पता था कि मुझे करना है, बिकॉज मेरे मियाँ ने मुझे शादी से पहले वॉर्न किया था कि तुमको हर चीज़ मेरे घर पे मैं दूंगा लेकिन कुक नहीं। पसंद की शादी थी या अरेंज मैरिज? दोनों। आप कैसे? लव कम अरेंज। या कैसे, कहाँ देखा था? आपके हस्बैंड का नाम अनवर? अनवर तो वो तो मैं पता, पूरा नाम अनवर सालिम मोहम्मद। अच्छा, तो उन्होंने आपको कहाँ देखा था, किसी शादी में? एक्चुअली वी वर नेबर्स। ओह, मेरे सामने वाली खिड़की में। मेरा घर बिल्कुल ये कोने वाला ही है, वहाँ उस तरफ से मेन रोड पे। अच्छा। और मेरे ससुर और जो मेरे वालिद थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे। अच्छा। तो माई हस्बैंड, माई फादर न्यू हिम। हालांकि जब इनके मेरे हस्बैंड के फादर की डेथ हो गई जी जी, लेकिन एक दिन मेरे फादर ने मुझसे कहा कि यहाँ यहाँ इस तरह से मेरे दोस्त का एक बेटा रहता है। हाँ। और पहले आपने नहीं देखा? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, कभी अच्छा। भी नहीं देखा। तो फिर लव कैसे हुआ? लव कैसे हुआ? वो एक दफा देखने से। Love at first sight. Exactly. यही मेरे साथ यही कहानी। हाँ। अच्छा, और वो आपके अब्बू ने कहा कि मैं लड़का दिखा दूँ तुम्हें? उन्होंने मेरे, हमारे घर में फादर वॉज वेरी सोशल। अच्छा अच्छा। माशाल्लाह, मेरे फादर प्रेसिडेंटशिप के लिए भी खड़े हुए थे पाकिस्तान की। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने अपने घर पे चाय रखी थी, दावत रखी थी, तो इनको भी बुलाया था। अच्छा। तो इन्होंने मुझे मिलवाया कि ये मेरे दोस्त बहुत अच्छे दोस्त। अच्छा, उस वक्त कैसी होती थी? दुबली पतली होती थी या जरा भरी भरी? नहीं, भरी भरी। अच्छा, हमेशा हमेशा से भरी? अच्छा अच्छा, बिल्कुल वो पतली पतली सी नहीं थी आपकी तरह कभी नहीं। अच्छा, तो बस फिर देखा मैंने और वो देखना था तो जैसे कहते हैं ना, तो आपको भी वो पसंद आया और उनको भी आप पसंद आ गए? हाँ, उनको शायद नहीं आई होंगी, उन्होंने मुझे कहा था पहली दफा जब मेरी बात हुई थी कि यू हैव टू लूज वेट। अच्छा। मैंने किया था शायद। फिर आपने क्या डाइटिंग की थी, याद है आपको? नहीं, इतना तो याद नहीं है, लेकिन शायद फाखे किया था। हाँ। पता नहीं, बहरहाल जब आपकी शादी हुई तो वो आप का वेट आपकी जैसी नहीं थी लेकिन भरी भरी थी। हाँ, भरी भरी। हाँ। थी, दुबली थी लेकिन। अच्छा। भरी भरी थी। तो आपको तो वो पसंद आ गया, उन्होंने कहा कि अब तुम वेट लूज। हाँ। करो, फिर मुझे पसंद आओगी। फिर वो उन्होंने आपको ये भी कह दिया तुमने मेरे घर में आके पूरा काम भी करना? हाँ, है, बिकॉज हमारी मंगनी एक साल चली। अच्छा। तो वी वर उसी वक्त डोमिनेट कर गए ना? हाँ जी, ही स्टिल डोमिनेट्स। अच्छा, ही इज वेरी डोमिनेटिंग। ओए होए होए होए, शादी के 40 साल बाद तो उल्टा हो जाते, बीवी डोमिनेटिंग। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, शादी की पिक्चर हम आपके दिखाना चाहते हैं ऑन एयर जरा। हाय, मुझे भी तो दिखाओ ना, मैं कैसे देखूंगी? देख रहे हैं लोग?
अच्छा नथ पहनी हुई है आपने वो, मैंने और भरी भरी इतनी है, अच्छा भरे भरे गाल है, वाह वाह वाह, अच्छा और लोग देख रहे हैं, हाँ। और जोड़ा कैसे कलर का है? शॉकिंग पिंक, शॉकिंग पिंक कलर का जोड़ा है। तो ये जो जोड़ा है ये मियाँ जी की पसंद जी, का था? मियाँ मेरी नंदों की पसंद, नंदों की पसंद, और भैया दुबले पतले से, हाँ अच्छा ये तस्वीर चल गई, हाँ लोगों ने देख लिया आपकी शादी की तस्वीर देख ली। अच्छा फिर आप शादी होके आए 23 मार्च को, आपने पहली दफा खाना पकाया, कैसा लगा सबको? अच्छा ही लगा होगा, आई डोंट नो, तारीफ की किसी ने? यार तारीफ में थोड़ी कंजूस थे सब। असल में मेरे हस्बैंड की आदत है नदा कि अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी बनती है तो कभी तारीफ नहीं करता। अच्छा और अगर बुरी, और अगर बुरी बनती है तो फौरन बताते हैं। तो मैं जब उनसे कहती हूँ भाई बताओ तो सही खाना, अभी तक भी इफ आई मेक समथिंग वेरी स्पेशल आई हैव टू यू नो झिंझोड़ो हिम एंड आस्क हिम कि मुझे बताओ खाना कैसा बनाए, कहते हैं कि अगर अच्छा बना है तो समझ जाओ कि मैं, मतलब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ तो समझ जाओ अच्छा बना। ओए ओए ये भी उन्होंने आपको बताया, यहाँ पे भी आप नंबर ले गए अनवर साहब। अच्छा फिर शादी के और आगे दिन बढ़े, फिर आप खाना पकाने लगी, किचन आपका हो गया? जी बिल्कुल। और आप खाना वही मम्मी से फोन करती थी, रेसिपी सारी मम्मी बता रही होती थी? हाँ बिल्कुल। होते होते दो तीन महीने के बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड सारा, ठीक है जी, तो मैं और वो हमने डिसाइड किया कि हम लोग क्लासेस। वो आपकी बेस्ट फ्रेंड कैसे थी, लाइक वो आप लोग साथ पढ़ते थे? नहीं पढ़ते नहीं थे, हमने बहुत सारी जगहों से कुकिंग सीखी है। तो आपने कुकिंग शादी से पहले सीखी थी? इसका नहीं, मतलब कभी भी नहीं सीखी। शादी के बाद हमने, जब मैं फर्स्ट टाइम मिसेस, आपकी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी उस वक्त? नहीं थी। वो कैसे मिली फिर आपको? क्लास में, मैं मिसेस फैज एक होती थी, मिसेस फैज एच निजामुद्दीन सन्स की वाइफ जी जी। तो वो 1977 में उस जमाने में कायदे आजम की मजार के पास रहती थी। अच्छा। और मैं वहाँ जाने लगी। तो आपके शादी के कितने दिनों बाद आपने 3 महीने बाद आपके हस्बैंड से आपने कहा कि मुझे कुकिंग क्लासेस? हाँ, मुझे शौक बहुत था, जैसा कि मैंने, तो उन्होंने इजाजत दे दी? हाँ, उन्होंने कहा बिल्कुल सीखो। अच्छा वो मतलब वो इतने वो उस तरह के लिबरल थे, थोड़े इस तरह के नहीं थे कि वो घर में रहना है किचन में रहना? नहीं नहीं नहीं, ऐसे अच्छा। नहीं थे, लेकिन पोजेसिव बहुत थे। अच्छा। हाँ बहुत ज्यादा। क्या कहते थे, बुरका पहन के जाओ या क्या कट लगाओ? नहीं नहीं, मतलब बता के जाओ कहाँ जा रही हो, कब आओगी, क्या? हाँ, मैके जाने देते थे आपको? मैके जाने इजाजत थी? हाँ, मैके जाने की, रहने की? ऐसी मुझे कोई, या हफ्ते में दिन बने थे सैटरडे संडे जाने? नहीं कोई दिन नहीं बना था मेरे, बिकॉज बहुत करीब था तो मैं कभी भी चली जाती। तो सख्ती किस चीज में करते थे? बता के जाओ। अच्छा। वक्त पे आ जाना, ऑल सच थिंग्स। अच्छा अच्छा। और पहनने ओढ़ने पे भी थोड़ी पाबंदियां थी या नहीं? ऐसे नहीं, इस तरह की। अच्छा वहाँ से आरा रियाज आपकी दोस्ती, कुकिंग क्लासेस? वो दिन था और इंतकाल के वक्त तक हमारे बीच में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई किसी वजूहात से। फिर वो 2-3 साल हम अलग हो गए, लेकिन फिर वापस साथ हो जाते थे, दोस्त थे ना जाहिर है। अच्छा फिर जब आपने कुकिंग क्लासेस लेना शुरू की तो आपको पता चला कि टैलेंट है मेरे अंदर? कितने अरसे तक आपने कुकिंग क्लासेस ली? मैंने बहुत सीखा। अच्छा, मैंने कराची की कोई क्लास नहीं छोड़ी। अच्छा, आई कैन नेम यू। तो जब जब शादी हुई थी तो आपके मियाँ बहुत पतले दुबले से थे, तो शादी के बाद खाना खिला खिला के आपने उनका कुछ पेट वेट निकाला? जी बिल्कुल। ओ अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा आइडिया होता है वैसे, ताकि मियाँ को कोई देखे ही ना, ना खिलाओ खिलाओ खिलाओ, मोहब्बत बढ़ाओ बढ़ाओ। मैंने भी यही काम किया काफी हद तक। अच्छा फिर तारीफ करते थे या नहीं करते थे? तारीफ मैंने आपको कहा ना, उस वक्त बच्चे माशाल्लाह आपके कितने? चार। कितनी बेटियां? तीन बेटियां। हाँ। बड़ी वाली बेटी है, फिर दूसरी बेटी है, फिर तीसरी बेटी है, फिर बेटा। अच्छा तो जितना टैलेंट कुकिंग का आपके अंदर है, बच्चों के अंदर भी उतना ही है टैलेंट? बड़ी को शौक नहीं है लेकिन करना पड़ता है। अच्छा। तो करती है। ठीक है ठीक है। और जो बीच वाली है सुमेरा, वो तो शी इज टोटली माई कॉपी। अच्छा बहुत अच्छा खाना पूरा मेरा ले लिया, मतलब शी अब मैं हर चीज वो मेरी संभाल चुकी है, एवरीथिंग। और तीसरी वाली को उसका माशाल्लाह घर में दो दो कुक्स हैं, तो वो किचन में ही नहीं जाती, तो वो किचन नहीं जाती, उसको शौक भी नहीं है। अच्छा, बड़ी तो को जो सुमेरा है वो आपकी कॉपी? पूरी मेरी टिट्टो कॉपी। कुकिंग का जो टेस्ट है वो भी आप जैसा? सब, बल्कि मुझसे अच्छा। मेरे मियाँ कहते हैं ना कि इसके हाथ में तुमसे ज्यादा टेस्ट है। बेटी की तारीफ कर दी अनवर साहब, बीवी की नहीं। अच्छा अब ये सारी कुकिंग क्लासेस करके
माशाल्लाह चार बच्चे, बेटे बेटे में है कोई टैलेंट के उसको टेस्ट डेवलप हुआ है अम्मी के हाथ का? बहुत, वो तो उसको मेरे हाथ का खाना मिल जाए। बेटा मैरिड है आपका? जी मैरिड है। तो वो तो बहू तो बेचारी आपकी बड़ी परेशान रहती होगी, मैं कैसा खाना पकाऊं अपनी सास जैसा। बहरहाल लेकिन बेटे को भी मेरे हाथ का बहुत हुआ है। तो क्या आप पैक कर करके दे देती हैं? He lives in Dubai। अच्छा। और वाकई होता यही है कि टिन पैक करवा के भिजवाती रहती हैं। टिन पैक भी नहीं करती। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी जाते हैं मैं 10-12 चीजें बना लेती हूँ और मैं फ्रीज कर लेती हूँ छोटे प्लास्टिक बॉक्सेस में। 1.5 घंटे की तो फ्लाइट है। और वो 12 चीजें कौन कौन सी होती हैं? कौन सी फेवरेट? अच्छा, उसको हाथ का मेरा कुटा हुआ कीमा बहुत पसंद है, कढ़ाई बहुत पसंद है। ही इज अ वेजिटेरियन लवर मोस्टली, तो तुरई की सब्जी, भिंडी उसकी फेवरेट चीज है। तो वो मैं फिर बना के फ्रीज कर लेती हूँ और फिर जब जा रहे होते हैं तो फ्रीजर से निकाला और ले गए और जाके उसके फ्रीजर में डाल दिया। अच्छा, बच्चों की शादी आपने जल्दी 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 कर दी? हाँ, काफी माशाल्लाह। हाँ। जैसा जैसा वक्त आता गया करते गए करते गए। आप फील्ड में कैसे आई, मतलब लाइक कुकिंग की क्लासेस अपने शौक या आप करती रही, टीवी पे आना, मतलब टीवी और जब तो हस्बैंड इतने डोमिनेटिंग हो तब उनसे इजाजत लेना? हाँ, इजाजत ली थी, बिल्कुल ली थी। एक्चुअली मसाला टीवी जब स्टार्ट हुआ था तो सुल्ताना अपा ने मुझे एक दो दफ़ा बाहर मिलती थी तो हमेशा कहती थी श्री ना जाओ, मेरा चैनल ज्वाइन कर लो, मेरा चैनल ज्वाइन कर लो। मैं सुल्ताना अपा को कैसे पता था कि आप बहुत अच्छा पकाती हैं? पता हो, कुकिंग क्लासेस आप देती थी ना? जी, कुकिंग क्लासेस तो मैं दे रही हूँ लास्ट 35 ईयर्स से। अच्छा। आई स्टार्टेड माई क्लासेस ऑन 29 जून 1982। तो इस तरह सुल्ताना अपा को पता चला? हाँ, हो सकता। वो तो, मैं वो भी तो नहीं कोर्स करने आई आपके पास? और मैं मैग में लिखती थी। अच्छा, तो वो रेसिपीज की वजह से शायद पता चला होगा। तो उन्होंने मुझसे बहुत दफा कहा लेकिन मैं हमेशा इनकार करती थी। दो वजह थी, सच्ची सच्ची बता रही हूँ, दो वजहत ये थी। एक तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं चाहती थी बच्चे शादी हो जाए। दूसरी, मैं ओवरवेट थी, मैं कहती थी अल्लाह टीवी पे जाके क्या होगा और 10 pounds और इंक्रीज हो जाए। एग्जैक्टली। फिर मैंने कभी उनको वो नहीं किया। ठीक है। फिर एक दिन मुझे 9 साल पहले 10 साल पहले किरण का फोन आया। अच्छा, अपनी किरण? हाँ, किरण। अच्छा, किरण का मुझे फोन आया और उसने मुझे कहा श्री आपा आपको मेरे शो पे आना है। मैंने कहा नहीं बेटा प्लीज नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। शी सेड नहीं, मैं कुछ ना सुनूंगी नहीं। मतलब शी वॉज सो कन्विंसिंग दैट आई एग्रीड। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, मैंने कहा इस तरह किरण का फोन आया था, मैं क्या करूँ? उसको क्या जवाब? बिल्कुल आप जाए। बिल्कुल जाए। फिर मेरी एक और बहुत अच्छी फ्रेंड थी शाहना, और उसने मुझसे कहा कि नहीं यू हैव टू गो, इतना जब तुम्हारे में टैलेंट है तुम जाओ। फिर आप पहली दफा मांग गए? फिर मैं पहली। आपको मजा आया? थोड़ी सी कॉन्शियस थी मैं। शुरू के 2-3 शोज तो जरा कॉन्शियस किए, फिर 14 शोज मैंने किए किरण के साथ। अरे वाओ, लाइब्रेरी का आपका फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा लेवल बिल्ट हुआ और बढ़ता। फिर एक महीने के बाद सुल्ताना अपा ने मुझे शो दे दिया। उन्होंने कहा आपको मॉर्निंग शो करना है। तो आई ऑलवेज थैंक हर कि उन्होंने इतना ट्रस्ट किया मुझे। तो उस वक्त तो नहीं घर में जरा प्रॉब्लम होती थी? मुझे तो बड़ी होती है, सुबह बच्चा चिपक गया मेरे। अब मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, अब खुश है आप? पर बच्चे सब सेट हो गए? नहीं, और पता है क्यों? क्यों? बिकॉज अब सुबह का शो शाम में चला गया, मुझे सुबह उठना नहीं पड़ता। वो तो फिर स्कूल की जॉब लगती होगी, बच्चों को स्कूल के लिए भेजना, मुझे सुबह सुबह उठना ना जो मेरे साथ होता है। बिल्कुल, वो मुझे बहुत खाली। जी, मेरा शो भी शाम में शिफ्ट कर देना। मजाक कर रही हूँ, मिली यही टाइम सही है। अच्छा, तो फिर जो है आप माशाल्लाह फुल फ्लेज अब मसाला की होके रह गए, है ना? तो 8 साल हो गए। तो इस मसाला की वजह से जिंदगी में क्या गरम मसाले हुए? मियाँ तो नहीं कहते मुझे तुम टाइम नहीं देती? मियाँ से ज़्यादा बच्चों को शिकायत। अच्छा, बच्चों को बहुत शिकायत होती है। फिर कहीं आना जाना होता है तो ज़रा मुश्किल होता है, बिकॉज नेचुरली आई गेट टायर्ड। हाँ, थक जाता है बंदा। ये और ये मैं समझती हूँ फुल टाइम जॉब है, बिकॉज मेरा ऐसा नेचर है। मैं समझती हूँ आप कोई भी काम करें, चाहे घर की क्लासेस हो, चाहे टीवी का शो हो, आपको सिंसियरिटी के साथ करना है। बिल्कुल, तभी आप कामयाब। हाँ, जब भी आप कामयाब होते हैं। तो मैं अपनी ग्रोसरीज खुद करती हूँ, अपनी रेसिपीज खुद बनाती हूँ, टाइप खुद करवाती हूँ। तो हर चीज़
I do it myself. तो बंदा पूरा दिन ही लग जाता है। पूरा दिन, फुल टाइम जॉब। वही ना, तो कभी कभार होता है ना, खासतौर पे बेटियों को कि अम्मी वो मैं अपने मियाँ के साथ फिल्म देखने जा रही हूँ, तो बच्चे आपके पास रहेंगे। अच्छा, ये मेरे साथ नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज मैंने शुरू से अपने बच्चों को कह दिया था कि मेरी अपनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्लासेस करती रही तो बेटा चंद देर के लिए तो छोड़ जाओ, लेकिन मैं रखूंगी नहीं। जैसे तुम लोग बाहर घूमने जा रही हो 15-15 दिन के लिए, मैं नहीं सब। तो वो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली। हाँ, क्योंकि वो नानियाँ जो हैं वो बेचारी सारे दिन जिंदगी बच्चों को पालती हैं, फिर उसके बाद बच्चों के बच्चों को पालती हैं ना, ये नानियाँ खास होता है मेरे, जैसे मेरे मम्मी बोलते हैं अच्छा तुम उधर जा रही हो, बलाज को मुझे दे दो, बलाज को मुझे दे दो, तो वो एक होता है। बिल्कुल, ये होता है चीज़। अच्छा, माशाल्लाह आप इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो, आपने कहा कि हस्बैंड डोमिनेटिंग थे, फिर उनके साथ जा रहे, उनकी सुनना, तो जाहिर है ज़िंदगी में कभी कभार अच्छे दिन भी आते हैं, कभी कभी बुरे भी आते हैं। तो जिंदगी में कब कब रोई, कब कब दुखी हुई, कब कब दिल बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी हुई। मेरी कहानी अगर आपको मैं सुना नहीं सकती कभी अगर हुआ, लेकिन मैं बहुत अंदर से आई एम लिटरली। क्यों नहीं सुना सकती जी आपकी, जो पता है मुझे लगता है कि आप सुनाएंगी ना आपकी कहानी से सब। नहीं, लेकिन इंसान को अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए निदा, बिकॉज देखिए हमेशा एक जैसा वक्त नहीं रहता, ठीक है ना, कभी अच्छाइयाँ भी होती, कभी धूप भी होती, कभी छाँव भी होती है। तो प्रॉब्लम्स मैं समझती हूँ हर एक के साथ होती हैं, लेकिन सैक्रिफाइस, हर लड़की को मैं यही कहूँगी कि सैक्रिफाइस लीड्स यू टू सक्सेस। और कब से सैक्रिफाइस करना शुरू करे वो लड़की? लेकिन आजकल मुझे इतना दुख होता है कि लड़कियों में ना पेशेंस है, ना टॉलरेंस है, ना सब्र है। जरा सा मियाँ ने खुद कुछ कह दिया, ओके जी बाय बाय हम जा रहे हैं। ऐसा अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके सैक्रिफाइस जिंदगी में कब से शुरू हुए? जैसे आपने कहा शादी से पहले आपको कहते ना हाथ का छाला बना के रखते हैं ना मामा। really, आप यकीन करें मैंने आज तक, कभी कभी दुख भी होता है निदा कि कभी अगर ऐसा होता था, मेरी मम्मी मुझे कहती थी बेटा एक ग्लास पानी ला दो, मैं कहती थी नहीं भाई मैं नहीं दे रही, बहुत अफसोस होता है, लेकिन मैं कहती थी नहीं मम्मी मैं नहीं दे रही, आप बेल बजा दो, वो नीचे से नौकर आके दे देगा। मतलब कुछ नहीं किया, और कॉलेज भी इत्तेफाक से घर से निकलो और सामने थी, तो कॉलेज जाती थी, कॉलेज से आके अपने कमरे में बस बंद, फिर एकदम बिल्कुल माहौल चेंज हो जाता है ना शादी के बाद। तो फिर आपने उस वक्त पहली कुर्बानी ये दी कि अपने आराम और आसाइश को तो खैर बात कह दिया, अच्छी लड़कियों की तरह ढल गई, ढल गई। और ये करना चाहिए लड़कियों को, मैं कहती हूँ आपको करना चाहिए जब भी आप खुश हैं। आप एक शादी को छोड़ोगे दूसरी फिर करोगे, आपने अगर पहली जगह सेटल नहीं हुए आप दूसरी जगह भी नहीं हो सकते, दूसरी जगह आप फिर तीसरी जगह, मतलब दिस इज नॉट गुड। आप सोचिए खानदानी बच्चियों का नहीं होता। आपको क्या लगता है शादी के कितने साल बाद लड़की सेटल हो जाती है उस माहौल में, जब वो यंग एज में उसकी शादी होती है? तो सेटल होने को टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगा है। 2 साल, दिन बहुत भारी, 3 साल बहुत भारी दिन थे, बहुत भारी दिन होते हैं। बिकॉज यू नो मुझे ऐसा होता है कि देखिए शुरू में हर लड़की चाहती है कि मियाँ उसका बन के रह जाए, है ना, और बस वो सिर्फ आपको टाइम दे, घर वालों को ना वो करे, ये हर लड़की की ख्वाहिश होती है। हाँ, लेकिन ये इट्स नॉट पॉसिबल, स्पेशली जब आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन बहरहाल मगर उस दिन, उस वक्त आपकी सास और ससुर तो हयात थे नहीं? सास ससुर नहीं थे, लेकिन मेरी दो नंदे थे। अच्छा। वो उस वक्त मेरी मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट होती थी। अच्छा, और वो मैरिड भी नहीं थी? नहीं, मैरिड भी नहीं थी, और छोटी बहनें थी। हाँ। और मेरी अनवर की दादी सास हमारे साथ रहती थी, तो वो भी थी। और फिर ये होता था कि I would want कि भाई मियाँ रात में 8 बजे आए और मेरे साथ कमरे में बस हम बैठे यू नो अपना टीवी देखें। लेकिन नहीं, ही वुड नेवर डू दैट, ही वुड बी आउटसाइड विद द सिस्टर्स टिल लेट नाइट 1 o'clock, और मैं अंदर कमरे में कुड़ रही होती थी, यू नो। तो इस तरह की फीलिंग्स, लेकिन बर्दाश्त, आपको सब्र करना है, बर्दाश्त करना है, ये सारी चीज़ें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ा सा इमोशनल कर दिया है, क्योंकि वाकई ये बात हकीकत है कि शादी के कुछ साल लड़की को देने पड़ते हैं अपने ससुराल को, उसके बाद आगे उसका राज शुरू होता है, तब तक उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। किसी लड़की का राज जल्दी शुरू हो जाता है, किसी का राज 30 साल बाद भी नहीं होता। तो ये डेस्टिनी है आपकी, एक शादी एक गैम्बल है। छोटा सा ब्रेक, देखते हैं कि ब्रेक के बाद हम श्री आपा से और क्या सीखेंगे ज़िंदगी की हकीकतों के बारे में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी वुमेंस डे। आज हम मौजूद हैं जी शीरी अनवर शीरियापा के घर, और बहुत ज़बरदस्त बातें इनसे सीख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, इनके बारे में जान भी रहे हैं। माशाल्लाह इतनी एक्सपर्ट है कुकिंग में ये, मगर मुझे लगता है चाहे आप आर्टिस्ट हों, चाहे आप पेंटिंग करते हों, चाहे आप ड्राइंग स्केचिंग करते हों, सिंगर हों या फिर शेफ़ हों, वो कहते हैं ना कि क्रिएटिविटी आपके दुखों से गुजर के, आपकी ज़िंदगी के सारे मसलों से गुजर के फिर आप एक सच्चा आर्टिस्ट बनते हैं। बिल्कुल नहीं, तो आपकी ज़िंदगी में भी हमेशा फूलों की सेज नहीं रही है, कांटे भी साथ रहे हैं। वो ये ना लड़कियाँ देख रही होती हैं, कहती हैं सीरियापा के कपड़े देखो, सीरियापा की घड़ियाँ देखो, सीरियापा के स्टाइल से खाना पकाना सिखा रही होती है, माशाल्लाह कितनी हंसती मुस्कुराता चेहरा होता है, मगर कभी कभार दिल में ऐसा भी होता है कि तकलीफ़ें हैं, बिल्कुल दुख है। और फिर जब स्क्रीन के सामने बंदा आता है तो सब भूल जाता है, बिकॉज आपके व्यूअर्स आपके चाहने वाले इतने आपसे प्यार करते हैं कि फिर उनके लिए बस मुझे ऐसा लगता है आई एम फॉर देम। हाँ, आप आपकी नेचर है, मुझे लगता है कि आप दूसरों के बहुत काम आते हैं, आपकी नेचर है। अच्छा, अब जिंदगी आगे बढ़ी, ठीक है ना, नंदो को बहुत मुझे बड़ा मजा आता है घरेलू बातें सुनने में। हाँ, सीखता है इससे बंदा, बिल्कुल, कि अपने घर को कैसे अच्छा चलाए। बिल्कुल, और आप सीख रहे होते हैं हर एज में, आप सीख रहे हो, सही बात है। तो माशाल्लाह आपका 40 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर किस तरह आपने सबको अपनी तरफ माइल किया, कैसे जगह बनाई अपने घर में? अल्हम्दुलिल्लाह जगह मैंने पता नहीं किस तरह बनाई निदा, लेकिन माशाल्लाह मेरे ससुराल में भी मेरी बहुत इज्जत है। आप यकीन जाने, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो फूफी सासों में फूफी सासें हैं, उनके बच्चे हैं, फिर चाचा ससुर के हैं, मतलब अच्छा। बहुत, लेकिन माशाल्लाह 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 मेरी बहुत इज्जत है, बहुत। और उसका क्रेडिट ये है कि आपने सब की चुप करके लाइक बर्दाश्त की। नहीं, कहीं चाहे उन लोगों की तो बर्दाश्त करने का वही नहीं था, बिकॉज सब अलग अलग रहते थे, लेकिन इज्जत दी जब वो मेरे घर, बिकॉज मेरी दादी सास मेरे साथ रहती जी, जी। और जब वो लोग ईद पे बारात पे छोटा दिन बड़ा दिन जब भी आते थे मेरे घर अपनी अम्मी से मिलने, तो मैंने हमेशा हंस के उनसे बात की। ये नहीं कि आप आजकल की बहुएँ आप कमरे में बैठी हुई हैं, बड़ा भाई मेहमान आ रहे हैं, आप निकलो, आप दो, आप कुछ आगे बढ़ो, कब कहाँ करते हैं बेटा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जगह बच्चियाँ खुद बनाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपको मानने वाली बात। अच्छा, अक्सर होता है ना कि जैसे जब ज़्यादातर सासों के हाथ में खर्चा होता है, अगर आपकी सास नहीं थी तो वो कहते हैं ना घर की चाबी खर्चा मियाँ सैलरी लाकर आपके हाथ में रखा करते थे। नहीं, मेरे हाथ में नहीं देते थे। अच्छा। पहले मेरी दादी सास थी उनके साथ था, फिर मेरी बड़ी नंद के पास अच्छा। खर्चा होता था, फिर मेरी शादी के 9 महीने बाद दोनों बहनों की शादी हो गई। अच्छा, तो फिर तो मेरे पास ही फिर आपके पास हुआ। तो पॉकेट मनी बनी हुई थी मियाँ, पॉकेट मनी आपको देखते, उस वक्त आप जॉब वगैरह तो नहीं करती थी, कुछ कमाती भी नहीं थी। हाँ, थोड़ा बहुत जो देना होता था या जो घर के पैसे मिलते थे, जो खर्चे के। डिमांडिंग बीवी थी आप या नहीं? मुझे ये चाहिए, मुझे सोने का सेट बनवा दो, और वो कैसे हस्बैंड थे? नॉट एट ऑल। हाँ, बस मुझे एक ख्वाहिश जरूर होती थी, याद बताती हूँ, कि मुझे एनिवर्सरी पे और बर्थडे पे गिफ्ट जरूर चाहिए। तो आप मांगना पड़ता था आपको या मिल जाता था? एक हफ्ते पहले से गाना शुरू कर देती थी कि 19th मार्च आ रहा है, 14th अप्रैल आ रहा है, तो करती थी, तो मिलता था। ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा मिलता था। अच्छा, बिकॉज ही न्यू आई एम फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी। अच्छा, शुरू से हमेशा ज्वेलरी मिलती थी। हाँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज मैं बोलती रहती थी कि मुझे, मेरे पास ये स्टोन नहीं है, मेरे पास ये स्टोन नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कौन सी बात आपकी मानी नहीं जाती थी, कि जो आप फरमाइश करती थी वो इतनी सही नहीं मानी जाती थी? ये तो हो गई फरमाइश गिफ्ट्स की, ज्वेलरी की, लेकिन कौन सी बात आपकी मानी नहीं जाती थी बिल्कुल भी? ये तो मुझे याद नहीं है, शायद मानी जाती होगी इसलिए मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कि मैं, ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट हस्बैंड, जैसे कहना चाहिए। अच्छा। डोमिनेटिंग थे, स्ट्रिक्ट थे, आज तक भी जो बोल दिया वो करना है होगा। अच्छा, 40 साल में भी कोई चेंज नहीं आया? आप नहीं दबा सकी थोड़ा? नहीं दबा सकी
अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि स्त्री अच्छी नहीं हुई तो उस पर भी कि नहीं? बहुत होता था, है ना। अच्छा, में बड़ी लड़ाई बात आपने बड़ी अच्छी याद दिलाई। जब मेरी शादी से पहले वो मुझे कहते थे तुमको मेरे घर में सब चीज़ मिलेगी, खान सामान नहीं मिलेगा। हाँ। मैं कहती थी ठीक है, खाना पकाने का मुझे शौक है, मैं कर लूँगी। लेकिन उस वक्त मेरी उनसे डील हुई थी, मैं कहती थी मुझे इस्त्री करने का शौक नहीं है, आप धोबी रखोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में धोबी इस्त्री करने वाला आज तक भी आता है। अच्छा, इस्त्री वो है कि इस्त्री आई कांट। अच्छा, तो फिर कभी आपको पकड़नी पड़ी तो उस पर ज़रा डांटी पिटती थी? हाँ हाँ, बहुत पर्टिकुलर है। हाँ। कि तुमने कफ ख़राब कर दिया, तुमने उसकी वो ख़राब कर दी कॉलर की। हाँ। बहुत कभी बटन टूट गया या कोई ऐसी चीज़? सिलाई भी नहीं आती, सिलाई मुझे नहीं आती सिलाई। तो उनको फुल अमू क्या कहते हैं, अमूना अमूरे खानादारी वाली जो बस बीवी थी वो चाहिए थी बिल्कुल। तो कभी जॉब वॉब करने का सोचा उस मैंने? उस वक्त था जॉब तो आप समझ लो मैं कर ही रही थी, अपने घर में क्लासेस कर रही थी, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था। वो जो अर्निंग होती थी वो आप जमा करके रखती थी या उड़ा देती थी? सच्ची पूछने जमा नहीं करती थी। जमा नहीं, क्या करती थी उसका पैसा? आप देखे ना मेरा शौक कपड़े, ये आपको आप देखिएगा अभी हम आपको दिखाएंगे शिरियापा के शौक, ज्वेलरी कपड़े, बस मुझे यही शौक, यही शौक थे। तो वो जो कमाया वो कभी हस्बैंड ने इस बात पे कहा कि तुम कुछ जमा किया करो, इस बात पर कभी भी नहीं बोला? नहीं, इसलिए नहीं बोला कि बिकॉज वो मेरा मेरी अपनी कमाई। अच्छा, अच्छा। तो कभी भी ऐसी मेरी कोई बात नहीं हुई कि भाई कभी आपकी तारीफ की, कभी आप बड़ी अच्छे डाय शाये करा के आए हो बाल तो तारीफ की? हाँ, कभी। या उस वो भी करवा, अगर शायद बहुत अच्छे मूड में होते होंगे तो बोल देते होंगे। हाँ। वरना इतना ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ बिल्कुल। और सीरियस मिजाज है उनका बड़ा, किसी से बात मतलब आपके साथ हंसते मुस्कुराते भी नहीं है सच, कोई कॉमेडी ड्रामा चल रहा है? वो पहले करते थे, लेकिन जैसा जैसा दिन ब दिन हमारे गुजरते जा रहे हैं ना, मुझे लगता है वो और मजीद सीरियस होते जा रहे हैं। कभी आप सिनेमा गई हैं उनके साथ फिल्में देखने गए हैं लेकर? अच्छा, रोमांटिक है कि नॉन रोमांटिक है? इज नॉट रोमांटिक, ड्राई ड्राई। क्या क्या पूछोगी नेदा? ये देखिए पता नहीं मुझे बाकी सब कुछ हर कोई बता देता, हालांकि मेरी आपसे आज दूसरी मुलाकात है, मगर मैं हर बात पूछ ली। लेकिन अच्छा, मैं आपको सब बता रही हूँ। ये ना आप भी मोहब्बत वाली और मैं भी मोहब्बत वाली, तो हम अच्छे मिल गए। सफाई माशाल्लाह आपका घर बहुत साफ सुथरा और पिक एंड स्पैन है, सफाई के शौकीन है कि यहाँ मिट्टी ना हो, वो उजाले ना हो? हाँ। क्योंकि मेरी भी बड़ी इस वक्त खिंचाई होती है, तो मुझे जाले नजर नहीं आए। तो आप मॉर्निंग शो होस्ट निदा यासिर, आपको पता है सुमैरा मेरे साथ है, तो वो माशाल्लाह मेरे घर को ज्यादा देखती है। मेरे पास तो टाइम नहीं होता निदा सच्ची बात। अच्छा, वो सारा आई फील, अब मैं जब से मसाला पे हो गई मैं मसाला की हो गई। अच्छा, सुमैरा कौन है मैं आपको भी बताना चाहती हूँ। आपकी तीन बेटियां और एक बेटे हैं, सबके नाम बताएं, बच्चे बताएं, फिर मैं सुमैरा को बुलाना चाहूंगी कि सुमैरा है कौन आखिर? माशाल्लाह मेरी तीन बेटियां, बड़ी वाली सायरा है। अच्छा, और फिर सुमैरा है, ठीक है, फिर सादिया है, और फिर बेटा है मेरा हिशाम। अच्छा, तो जो बीच वाली बेटी है वो सुमैरा? जी, सेकंड वाली। बाकी सब जो है वो अभी यहाँ मौजूद नहीं है? कराची में ही है। अच्छा, बेटा दुबई में होता है, बेटियाँ कराची में ही हैं। हाँ। बट उनकी टीवी से दोस्ती नहीं, टीवी से दोस्ती नहीं। सुमैरा थोड़ा कॉन्फिडेंट है? हाँ, सुमैरा नेचुरली इतने सारे मॉर्निंग शोज कर चुकी है, रमजान के मॉर्निंग शो में एज अ गेस्ट जा चुकी है। अच्छा। मसाला हम टीवी पे रमजान शो कर चुकी है, समाप्ति कर चुकी है, मतलब इस तरह उसने काफी रमजान की। और वो इतनी नर्वस नहीं होती जैसे आप हुई थी पहले? पहले होती थी। अच्छा। दो चार दफा, लेकिन अब नहीं, अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस। अच्छा, आइए आपको मिलवाते हैं, क्या हम शेफ सुमैरा कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। हम आपको मिनी मिनी जूनियर श्री अनवर से मिलवाने वाले हैं, और वो है सुमैरा जी। ये देखिए, वो कहते हैं ना टेस्ट, माँ का टेस्ट ट्रांसफर होता है बेटी के हाथ में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, प्लीज आइए बैठिए, आपका अपना ही घर है। जी, सुमैरा को कैसे शौक हुआ कुकिंग का, अम्मी को देखते देखते? बाकी किसी बेटी और बेटे को तो नहीं है? वो कहते हैं ना कि बचपन से इनको देखते हुए आए। हाँ। फिर वो होता है कि शौक होता है कि पकाना है कुछ। आई फील के जब आप कुकिंग करने लगते हो, देखते हो, तो फिर वो शौक बढ़ जाता है।
पहले मुझे इतना शौक नहीं था कि मुझे कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि इसको एज अ प्रोफेशन मैं लेके चलूँगी. इनफैक्ट शी ऑलवेज यूज़ टू टेल मी कि तुम करो क्लासेस करो कुछ करो यू कैन डू इट एंड आई ऑलवेज यूज़ टू फील नहीं आई कांट डू इट. अच्छा कि अम्मी कैसी थी वैसे बचपन में? हमेशा से कहती हैं हमेशा से मतलब पिछले मेरे ख्याल से 10-12 साल से तो रेगुलर नहीं जैसे अब्बू डोमिनेटिंग है ना और अम्मी कैसी थी? अच्छा कैसी थी? मैं फ्रेंडली फ्रेंडली थी. इनका और हमारा जो रिलेशन था वो मेरी दो बेटियां हैं वही चीज़ अब मैं अपनी बेटियों के साथ करती हूं क्योंकि वो आप फ्रेंड्स लगता है. सख्ती नहीं करती थी? करती थी छुट्टी या होमवर्क? एक सख्ती नहीं की बट एक बाउंड्रीज थी एक लिमिट्स थी जो हमें पता थी. अब्बू का डर देती थी अब्बू शिकायत लगा दूं और उस तरह. और कभी जब गुस्सा इनका मतलब है अच्छा और जब गुस्सा आ जाता तो फिर नहीं देखना कि आगे चप्पल पड़ी है हैंगर पड़ा है मोमबत्ती पड़ी है सब सब खाया मोमबत्ती वो और निशाना अच्छा था चप्पल का निशाना दूर से लगा निशाना वो इस तरह से. तो ये सारी चप्पलें खा के मोमबत्तियाँ खा के सब चीज़ें खा खा के सीखा क्या? सीखा तमीज़. वही मैं अपने बच्चों को सिखा कहती हूँ कि वाकई जो मैं कहती हूँ जो माँ की तरबियत होती है वो कहते हैं ना माँ की तरबियत इज़ एवरी थिंग. इट्स अ फैक्ट. इट्स एंड थोड़ी सख्ती इज़ अ मस्ट. थोड़ी सख्ती लाजमी है. इतनी भी ढील नहीं देनी चाहिए. मुझे तो कोई रिग्रेट नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट. आपको बहुत शौक है कुकिंग का? बहुत शौक. मेरे लिए कुकिंग अब एक थेरेपी बन गई है. ओए ओए वैसे कहते हैं कि आप डिप्रेशन में अगर होते हैं ना फॉर मी आप एक्चुअली अ थेरेपी. ये रिसर्च कहती है कि आप किसी वजह से भी अगर परेशान हैं या उदास हैं आप बेकिंग करें आप कुकिंग करें पता ही नहीं लगता. मतलब मिनट लगते हैं भूल जाने में चीजें फॉर सम रीजन. और श्री आप भी अपना डिप्रेशन कुकिंग करके भूल जाती हैं कोई भी किसी बात पे भी अगर होता है तो? मैं कुकिंग करके नहीं भूलती मैं खा के भूलती. ये भी है रिसर्च ये भी कहती है. अच्छा हम आपकी टेबल पे चल रहे हैं और वहाँ आपने भी मुझे कुछ सिखाना है और हमने आपसे कुछ सीखना है. बिल्कुल ठीक है. बेकिंग की चीज़ें देखनी है हमने क्योंकि अब इतनी माशाल्लाह ये इनके पास कलेक्शन है बेकिंग की चीज़ों का और उसके बाद मैं इनसे कुछ सीखूंगी भी क्योंकि मुझे भी बहुत बेकिंग का शौक रहा है हमेशा से. और देखना ये है कि बेकिंग आप अच्छा ज़्यादा आप खुद शौक क्या रखती हैं बेकिंग का या कुकिंग अगर मैं आपसे पूछूं तो? मुझे बेकिंग का कुकिंग का बहुत है. अच्छा दोनों चीज़ों का. अच्छा माशाल्लाह यार बड़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं आप एक्सप्लेन करें. सुमेरा है मशीरी आपा कि भाई ये ब्राउनीज के हैं ना ये वाले? हाँ अच्छा इसमें आप ब्राउनीज डाल दो अगर बेक कर लो तो यू डोंट नीड टू कट देम. अच्छा फिर ब्राउनी निकल आती है यहीं से पाकिस्तान से लिए? नहीं ये सारे मम्मी के शौक जो हैं वो बाहर के. अच्छा अब तो मुझे ये कहाँ से लेकर आई हैं? ये अमेरिका का बिल्कुल सारा क्योंकि मैंने यहाँ ढूंढे मुझे गोल वाले तो मिल जाते हैं स्क्वायर वाले स्क्वायर नहीं मिलते. अच्छा आपको भी शौक है बेकिंग? मुझे मैंने पहले सीखी बेकिंग. अच्छा कुकिंग तो मुझे बाद में शादी के बाद कुकिंग शोज मिले उससे सीखी. आई लव बेकिंग. और ये क्या हो जबरदस्त ये भी मुझे याद कर ये कुकी सैंडविच का पैन है आइसक्रीम की बनाए और बीच में आइसक्रीम के साथ इसको आप फिल कर लें तो आइसक्रीम सैंडविच बन जाता है. ओह वेरी नाइस. तो ये चीज़ें बनती हैं घर में बनाती हैं? अच्छा हमारी बचपन से एक शिकायत होती थी अब मम्मी मुझे कहती है और शिकायत करो तुम्हारे ऊपर वही चीज़ आई है. जहाँ वेकेशन पे जा रहे हैं ना तो मम्मी किधर है भाई कुकिंग सेक्शन में. अरे भाई हमारी शॉपिंग कब होगी कुकिंग? अब वही चीज़ मेरे साथ होती है मेरे बच्चों को जब मैं लेके जाती हूँ मैं किचन सेक्शन मम्मा हमारा टाइम कब हमारा क्या है? तो ये सारा कुछ है. क्या चीज़ है ये बड़ी मजे का है. हाय कितना प्यारा है ये देखे जरा चारों तरफ से अलग अलग है. ये भी देखिए ये कप केक्स बनाए तो उसके ऊपर नजर आ रहे सारे शेप्स हैं बड़े कब कलेक्शन है. मतलब लोगों के पास कपड़ों की कलेक्शन ज्वेलरी की कलेक्शन तो होती है ये कलेक्शन okay. देखने वाली है जी वो भी हम आपको दिखाएंगे. और ये हार्ट शेप वैलेंटाइंस बना या आपने मियाँ को राजी करने के ये आपने बहुत बनाया होगा सही उठनी का सो रहे हैं ना पता चले मेरे को गुस्सा हो जाए कि ये क्या क्या अंदर के राज सारे पास करवा रही है. अच्छा और क्या चीज़? हाँ ये स्पून ये देखें भी कलरफुल स्पून है ये भी ये मेजरिंग स्पून. अच्छा ब्राउनी का एक वो भी है क्या चीज़? मैं एक मिनट उधर जा रही हूँ ताकि मैं क्या चीज़ ये जी मैं इधर आ जाओ ये कैमरा ना मेरी प्लेट पे. इसमें आप बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली ट्रायंगल्स कट के निकलेंगे. अच्छा एक मिनट खोल लो नेता खोल लूँ. हाँ मैंने ही पैकिंग ये कैसे खोलेगा ये खोलेंगे.
और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े कप। अच्छा ये आइसक्रीम कप जिससे बनते हैं। अच्छा ये आइसक्रीम का इसको टर्न करके इसके ऊपर डो बना रख के तो फिर आइसक्रीम के बोल्स बनाते हैं। और फिर उसमें आप आइसक्रीम सर्व करें। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त। ये देखें ट्रायंगल शेप के, बच्चों को शेप सिखाने के लिए बड़ा अच्छा है कि आप उनको आज ट्रायंगल ब्राउनीज बेक करके दे दें। और थोड़ा सा पीछे हमजा ज़रा मैं और चीज़ें दिखा दूँ, काफ़ी चीज़ें हमारे पास हैं कलेक्शन की। और ये इस तरह के वो बनाने के लिए ये देखने दो जमा। ये क्या चीज़ है? जायंट कपकेक और फिर उसके ऊपर उसका कवर दिखा दें ज़रा ये। हाँ अच्छा ये कपकेक बनाए। हाँ, दोनों शेप के। हाँ नहीं इसमें आप इसमें भी बैटर डालो इसमें भी डालो। अच्छा ये जब बन जाएगा तो ये कपकेक का शेप आएगा। हाँ, ये जब बन जाएगा तो इसका कवर आएगा उसके ऊपर फिर आप पाइप करो। वाओ जंबो कपकेक है। वेरी नाइस। इन चीजों का हमने शीरी आपा के प्रोग्राम में बड़ा जिक्र सुना हुआ है ना चीजों का। ये क्या चीज है? अच्छा ये वो ऊपर लगाने के ये स्टिरर्स हैं जी। अच्छा स्टिरर्स। ये मम्मी का शौक स्पैचुलास भी कपकेक के शेप के। ओए ओए भाई ये देखे जरा ये जो बेकिंग के शौकीन लोग हैं ना ये सब देख रहे होंगे। इन चीज़ों के साथ पकाने का भी मज़ा आता है। भी ये देखिए मुख्तलिफ किस्म का। ठीक है अच्छा मैं उधर आ रही हूँ लेकिन फिर मैं यहाँ कैसे आऊँगी ना। ये क्या चीज़ है? ये कपकेक रखने का। आप कपकेक्स बना के इसके ऊपर कपकेक्स अरेंज कर करें जी। एग्जैक्टली सर्विंग के लिए। अच्छा छुरियाँ भी मज़े में। ये कार्विंग नाइव्स हैं ये कार्व करने के लिए। ठीक है। और ये क्या है? कटर्स हैं ये भी कटर्स है। अच्छा जब आप साल में कितनी दफ़ा ट्रैवल करती हैं? दो तीन दफ़ा करती हैं। और दो तीन दफ़ा ज़्यादातर खर्चा जो है वो कुकिंग की चीज़ों बेकिंग की चीज़ों का ज़्यादातर। ये तो देखें ज़रा इससे केक सर्व किया जाता होगा ना। चीज केक एक वो कटर भी था ना ये भी स्पून। ये ज़रा हमजा या ये दिखाना स्पून कितने क्यूट हैं। एक से एक चीज़ें हैं भाई बेकिंग की। ये स्ट्रॉज हैं। ये स्ट्रॉज हैं ड्रिंक्स पे सैंडविचेस पे बर्गर्स पे लगाने के लिए। अच्छा 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 वाओ भाई वेरी नाइस। तो आपको भी यही शौक है इसका मतलब जमा करने का। और ये क्या कटर है? अच्छा केक कट करने का नहीं वेजीज काटने का। तो इस शेप की आपको क्रिंकल वेजीज आ जाती है। मुझे नहीं समझ आया ये मतलब कि आलू काटेंगे जब। हाँ जब गाजर हो या आलू हो। अच्छा, आप इसे काटेंगे तो ऐसी क्रिंकल शेप की। अच्छा 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 गाजर और वो जी जो रेस्टोरेंट फाइव होटल्स में होती हैं तो वो इस तरह के कटर से कट रही होती हैं। ठीक है। और ये क्या आइस क्यूब्स के लिए? नहीं चॉकलेट मोल्ड है। ये जैसे घर में अपने चॉकलेट खुद चॉकलेट बेक कर सकते हैं? नहीं बेक नहीं आपको चॉकलेट मेल्ट करना होता है। अच्छा फिर कुकिंग चॉकलेट को मेल्ट करके आप इसमें डाल के सेट कर दो। बीच में अगर आप कोई फिलिंग डालना चाहें तो आप फिलिंग भी डाल सकते हैं। जैसे बाजार में आपको चॉकलेट मिलती है पूरे पूरे बार्स होते हैं उसको मेल्ट करके आपने इन मोल्ड्स में डाल दिया फ्रीज कर दिया या फ्रीज कर फ्रिज में? नॉट फ्रीज। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है क्योंकि वो चॉकलेट बार्स इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती लेकिन इस तरह की शेप्स के लिए आप जाओ तो वो बहुत महंगे शॉप्स हैं। बिल्कुल तो ये आप किसी को प्रेजेंट भी कर सकते हैं बॉक्स बना। हाँ एक क्योंकि ठीक है जी एक ब्रेक ले रहे हैं हम। और यहाँ हमने अभी सिर्फ शीरी आपा की और सुमेरा की बेकिंग की चीज़ें आपसे शेयर की हैं। हम शीरी आपा की रिस्ट वॉचेस उनकी ज्वेलरी जो उनकी मियाँ ने उनको 40 साल जमा करवाई है उनके शूज़ उनके कपड़े जो आप सब पसंद करते हैं हम आपको सब दिखाने वाले हैं। घर की अलमारियाँ भी खुली हैं और किचन भी खुला है दरवाजे भी खुले हैं सिर्फ एक दरवाज़ा बंद है वो वहाँ पे अनवर साहब अभी सो रहे हैं जब उठ जाए फिर हम वो भी दिखाएंगे वो क्या है वो हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। गुड मॉर्निंग पानी
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम इस वक्त मौजूद हैं आपकी फेवरेट श्री अनवर के घर और यहाँ मेरी कुकिंग क्लास शुरू हो रही है। यस, आप लोग जेलस हो रहे होंगे कि मुझे लाइव शो में यहाँ श्री आपा से कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। कुछ जेलस नहीं हो, कोई बात नहीं, आपस की बात है। ये इतना खूबसूरत एप्रन इन्होंने मुझे दिया है पहनने के लिए, क्योंकि हाँ क्योंकि ये नजवा के कपड़े हैं, वो ख़राब ना हो जाए, तब वो छीटे पीटे ना पड़े। क्या सिखा रही हैं आप मुझे श्री आपा? आप बनाएंगी आज, मैं आपको बताती जाऊंगी, आप बनाएंगी। ठीक है, ठीक है। क्या नाम क्या है डिश का? क्रीमी चिकन बेक। अच्छा, मैं आस्तीनों को कुछ ऐसे करती हूँ, कुछ गिरा बांध लूँ, क्या करूँ? क्योंकि ये तो मुझे याद नहीं था या मुझे पता नहीं था कि मुझे आज कुकिंग करनी है, वरना मैं ये इतनी सारी आस्तीनें नहीं पहन के आती। हाँ भाई, कोशिश तो कर रही हूँ कि हो गया, कुछ काम हो गया, कुछ काम हो गया। सॉरी जिनका भी ये कपड़े हैं नजवा, सॉरी। अच्छा जी, अच्छा जी, चूल्हे क्योंकि आपके हैं तो वो थोड़े से। अच्छा, तो मेरा मेरी हेल्प करेंगी मम्मी, ये चल गया। आप सिर्फ डिक्टेट करिएगा मुझे। जी हाँ, ठीक है। अच्छा, आपको 2 टेबलस्पून आप ऑयल डालिए। अच्छा, सो मेरा इधर आओगे ना मेरे साथ। हाँ, और श्री आपा आप भी इधर ही आके मुझे, ताकि कैमरे हमारे उस तरफ हैं। ठीक है, बैक आप 2 टेबलस्पून। अच्छा, 2 टेबलस्पून थोड़ा सा टेबलस्पून ये वाले। माशाल्लाह, पहला मार का सर कर लिया निदा यासर ने। नहीं, आपने कहा 2, मैं अपने अंदाजे से डाल दूँ। और क्या, ठीक है ठीक है, आप मेरी शागिर्द है ना। जी जी जी, अंदाज से बस, ठीक है, काफ़ी। हाँ, और थोड़ा सा बटर डाल लो बेटा। थोड़ा सा बटर, बटर कितना? 2 टेबलस्पून। दो टेबलस्पून, अच्छा, पहले ऑयल डाला फिर उसके बाद 2 टेबलस्पून। जी, फिर आप इसमें डालेंगे अनियन, प्याज डाल दीजिए। आपको शौक है बटर कुकिंग का? मैं माशाल्लाह कुकिंग करती हूँ घर पे, लेकिन जो है ना, मुझे टीवी के आगे कुकिंग करते हुए बड़ी शर्म आती है, पता नहीं क्यों। अच्छा, शर्म आती है? हाँ, मैं माशाल्लाह मेरे मियाँ मेरे शौक से खाते, मेरे हाथ का खाना जो है शौक से खाते हैं। जब मेरे ससुराल वाले आते हैं उनकी दावत के लिए मैं खास जो है वो कुकिंग। कितना डालना है? हाँ, डाल दे, सारा डाल दो, एक तकरीबन इस तरह का बोल। अच्छा, आपने क्या बताया हम क्या बनाने हैं? पास्ता या क्रीमी चिकन पास्ता? क्रीमी चिकन पास्ता। बस आप इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे इसी से? हाँ, कर सकते हैं। हाँ, करें बिल्कुल। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये अक्सर मैं बेकिंग में यूज़ करती हूँ, लेकिन नॉन स्टिक के लिए अच्छा रहता है। जी, बहुत अच्छा है, बिकॉज ये फायर प्रूफ है। अच्छा, आजकल जितने नए स्पैचुलाज आ गए ना, तो उससे आप कुकिंग कर सकते हैं। वेरी नाइस, तो इतना आराम से भी हो रही बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सारे नॉन स्टिक पैन हमारे घर में, तो सारी मासियाँ रगड़ रगड़ के जो है ना कलक, वो कलक उतार देती कि बाजी वो साफ नहीं हो रहा था, तो घिस घिस के सुमेरा सारा उसको सिल्वर कर दिया है। अच्छा, कितना इसको ऑफ वाइट करना है? कितना? हाँ, ट्रांसपेरेंट करके आप इसमें गार्लिक डाल। ठीक है, ओके। स्पेशलिटी क्या है आपको वो बनानी है? मुझे परदेसी खाने बड़े पसंद हैं। अच्छा, गार्लिक आपने कहा ना, लहसुन, लहसुन। अच्छा, ओके, 1 टेबल स्पून। आज आप शाम में बनाएगा? क्योंकि मैं भी आज घर जाके ये बनाने वाली हूँ। मेरे बच्चों को इस तरह के खाने बहुत पसंद हैं। अच्छा, जी, वो उनको देसी फूड इतना नहीं पसंद, सालन रोटी इतना नहीं खाते, वो इस तरह के खाने ज़्यादा खाते। अच्छा, आप क्या करूँ मैं श्री यहाँ पर? थोड़ा सा इसको सॉटे करेंगे। ठीक है, फिर आप इसमें डाल दीजिएगा मैदा। हमें, मुझे लगता है थोड़ा सा हल्का करना पड़ेगा चूल्हा, ये प्याज जल रही है। कितना डालना है फ्लावर? 2 टेबलस्पून भर के। 2 टेबलस्पून भर के? हाँ, ठीक है, इस तरह। दो हम मैदा डाल रहे हैं, 2 टेबलस्पून, ये मुझे लगता है मैंने ज़्यादा डाला है ना, बस काफ़ी? जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा आप इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इसको। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत हाँ आसान है, और जब हमारे घर दावत होती है हम यही बनाते हैं। अच्छा, ज़्यादातर। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा आपको मैं ये, और पसंद करते हैं लोग बहुत। अच्छा, इसके लम्स नहीं बनेंगे इसमें? नहीं, मैदे में अगर मैं पानी वानी कुछ नहीं मिलाऊंगी। लम्स क्यों बनेंगे? हाँ, अगर आप इस वक्त इसमें दूध डाल दो। अच्छा, आप इसको चूल्हे से उतार के दूध डालें। जी, कभी भी लम्स नहीं। अच्छा, अभी मैं इसमें डाल दूं दूध? हाँ, आप डालें। और मुझे कितना दूध डालना है? पूरा डालें, 2 कप। 2 कप जी, जितना इसमें है उतना पूरा, और चूल्हे से उतार के डालें। जी, चूल्हे से उतार के डालें, और फिर आप दूध डालने के बाद स्पैचुला से आप उसको हिलाते रहें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये चूल्हे पर रख के हिलाना है कि चूल्हे? नहीं, पहले आप हिलाइए। पहले मैं हिलाऊंगी? पहले आप हिलाओ। ठीक, ताकि है, वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। और अगर खुदा ना खासा लम्स बन भी रहे तो रिस्क ले लो आप। ठीक है,
विस्क से जो है वो जमेगा नहीं, नहीं हाँ ठीक है ठीक है। जो फेंटते हैं जिससे जिससे अंडा फेंटते हैं, अगर आपके घर में अंडा फेंटने वाला विस्क नहीं है तो फिर आप वुडन स्पून से आराम से हो जाता है, वुडन स्पून से भी आराम से हो जाता है, वुडन स्पून से भी हो जाता है, लकड़ी के चम्मच से भी। अच्छा अब आप इसमें निदा मशरूम्स डाल दीजिए। अच्छा ये अभी मैं चूल्हे पे रखूँ या अभी ना? हाँ नहीं रखें, अभी नहीं रखें ठीक है। आप इसमें सारी चीज़ें पहले डाल, हाँ ठीक है, ये कैप्सिकम डाल लो, मशरूम्स डाल दीजिए, मशरूम्स तकरीबन एक पूरी डाल दें, हाँ ठीक है, फोर फोर टू फाइव स्लाइस डाल दें, कैप्सिकम्स डाल दें। अच्छा कैप्सिकम्स भी इसी वक्त डाल, हाँ एक डाल दीजिए आप, ठीक है ठीक है ना। अब आपने क्या, आप इसमें डालेंगे सीजनिंग सॉल्ट, सॉल्ट वो कितना डालना है? मेरी आस्तीन बड़ी ख़राब है, सॉरी मैं इतनी पुअर नहीं हूँ, घर में पकाती हूँ। हाँ सॉल्ट आप डाल दें, हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक है। वन टीस्पून लेवल ब्लैक पेपर, वन टीस्पून लेवल, एक मिनट, ये एक टीस्पून ही मुझे लगता है, हाँ ये हिसाब से मैंने डाला है, आप पूरा पूरा। और कुटी हुई लाल मिर्चें वन टीस्पून, ओके ये भी कुटी हुई लाल मिर्चें भी वन टीस्पून, पूरी डाल, मुझे लग रहा है बहुत चटपटा होने वाला है। और ये चिकन पाउडर, चिकन पाउडर वन टीस्पून, अच्छा सॉल्ट डाल दिया, वन टेबल स्पून, वन टेबल स्पून इसमें नपा हुआ है या मैं पूरा नपा हुआ है, सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया मैंने, ठीक है हमने डाला कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, चिकन पाउडर एंड सॉल्ट, एंड सॉल्ट बस। अब आप इसको चूल्हे पे रखेंगे ठीक है, और इसमें आप ऐड करेंगे क्रीम, इसमें मैं क्रीम और ऐड, मतलब अभी तो मैंने खाली दूध ऐड किया था, क्रीम और क्रीम चीज, इसको चूल्हे पे रखते ही क्रीम ऐड कर दें, बिल्कुल डालें और छोड़ना नहीं है निदा, हिलाते रहें। अच्छा हिलाते रहना, ओके वरना वो ये क्रीम चीज है, क्रीम क्रीम है, ये क्रीम चीज़ है, ओके बॉटल वाली क्रीम चीज़ जाती है, ठीक क्रीम है। क्रीम डालेंगे आप आधा कप और क्रीम चीज़ डालेंगे आधा कप, ठीक है, और इसको हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, अगर आपकी आस्तीनें ज़ाहिर है ऐसी तो नहीं होंगी, इससे हिलाते रहना है, ठीक है ओके। नहीं तो फिर अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा शीरी, आपका लम्स बन जाएंगे, लम्स बन जाएंगे, इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें बस, फिर आप इसमें बॉयल्ड चिकन डालेंगे और स्पेगेटी डालेंगे। अच्छा बॉयल्ड चिकन आपने अलग से कर लिए और आप इसमें जो है अच्छी तरह मिक्स करते रहें, हिलाते रहें, वैसे तो जो हमारे देसी खाने उनको ज़्यादा ही हिलाना पड़ता है वो, इसलिए में ही सारा तो जल्दी बन गया, देखें ज़रा पर क्या फर्क, इसीलिए मैंने कहा आपको ये आप बना लें ताकि फौरन हो, चिकन भी डाल देंगे और नूडल्स भी है ना, स्पेगेटी हाँ सॉरी स्पेगेटी, और दो दो मुर्गी के ब्रेस्ट लिए थे ठीक है, और उसको प्लेन बॉयल करके चॉप कर लिया, पूरा नहीं डालना, पूरा नहीं डालना, हाँ साथ डालो बस, पूरा नहीं डालना, नहीं थोड़ा थोड़ा करके गाढ़ा आ जाएगा, नहीं आप आधा डाल, आधा डाल, ठीक है आप मुझे बताइएगा, सही काफ़ी, नहीं थोड़ा सा और जाएगा, थोड़े सा और जाएगा, और थोड़ा और, ओके बस, ओके बस, सब चीज़ का नहीं, चेडर चीज़, ओके अब इसमें मिला लूँ ना, डिश मंगवा लूँ और चेडर। अच्छा और ये किस तरह की होती है, थोड़ी थोड़ी लिक्विड ही होती है या बेक होगी, या बेक होगी, ऊपर से चीज डालेंगे और बेक करेंगे, मैंने चूल्हा बंद कर दिया, बहुत ही मज़ेदार चूल्हा आप नीचे से बंद कर दिया है चीनी आपा ने, और आप देखें झटपट रेसिपी तैयार, और मेरे बच्चे तो खैर अभी देख नहीं रहे होंगे लेकिन ये तो मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, आप ले जाओ, रियली ले जाओ, मेरे बच्चे तो पागल हो जाएंगे, बस आप रेसिपी में बड़ी नदीदी हूँ, सॉरी मैंने, नहीं इसको नदीदा नहीं कहते, इसको खाने का शौकीन कहते हैं, देखिए ये सब मैं खा नहीं सकती, मैं जो हूँ डाइट पर हूँ, लेकिन ये मेरे बच्चों की फेवरेट डिश, अच्छा बिल्कुल, अब इसको ओवरटर्न कर दो, अच्छा ठीक है आप मुझे बताइएगा कि क्या इस तरह है, इसी तरह इतना ही इसकी कंसिस्टेंसी सेम होती है, बिकॉज ये बेक होगा अभी, अच्छा अच्छा ये भी बेक होगा, इसके ऊपर चीज़ डालेंगे और ये चेडर चीज़ जाएगी, ग्रेटेड चेडर चीज़, मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ना चाहती हूँ, इसमें मशरूम्स हैं वेजिटेबल्स में, बच्चे आपके मशरूम्स नहीं खाते, इसमें डाल के खिला दें, कॉर्न्स भी डाल सकते हैं, ऑलिव डाल सकते हैं, शिमला मिर्च यानी कि शिमला मिर्च नहीं खाते हैं बच्चे, वो इसमें डाली हुई है, तो बच्चों को इस तरह वेजिटेबल्स भी मिलेंगे, अब बस ऊपर से आप चीज़ डालें, चीज़ कौन सी वाली, चेडर चीज़ मंगवाओगे, अच्छा चीज़ ऊपर डालने से ज़रा इसकी खूबसूरती आ जाएगी, कलर आ जाएगा, कितनी देर तक इसको बेक हम करें, आप 7-8 मिनट, 7-8 मिनट, 7-8 मिनट 180 डिग्रीज पे, अच्छा तो ये तो बहुत ही जल्दी बनने वाली, मतलब बच्चों के आने से 10 मिनट पहले ही बना लें, प्रिपरेशन आप 10 मिनट्स में कर लो, बाकी कुकिंग 10 मिनट से 20 मिनट्स में, हाँ बहुत ही मज़े की, और ये आप लोगों ने खुद ही क्रिएट किए, खुद ही बना,
तो जब दावत होती है ये बनता है या नॉर्मली भी आप बच्चों के लिए बना रहे हैं? नॉर्मली भी बनता है, बिकॉज आपके बच्चों की तरह हमारे बच्चों का भी यही है कि उनका ज्यादा सालन रोटी का दिन जब नहीं चाहता तो ये इसके साथ गार्लिक ब्रेड बना दी, डिनर रोल्स रख दिए। ये होता है ना बच्चों को हेल्दी लंच भी तो देना है, क्रीम भी इसमें है, दूध भी इसमें और स्नैक के लिए भी अच्छा है। आप स्कूल में भी सैंडविच खा के नगेट्स खा के बच्चे थक जाते हैं, आप तो ये क्रीमी जब स्नैक के लिए हम देंगे क्रीमी नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा बिकॉज ये अभी बेक होगा तो ये सेट हो जाएगा, ये केक की तरह प्रॉपर बन जाएगा। अच्छा, और जैसे लज़ानिया, अच्छा पतला नहीं है, जैसे लज़ानिया की आप निकालते हो ना जब निकालते हो उस तरह आप। ये तो बहुत अच्छा आइडिया, और लंचेस जो है ना वो फिर आप अपने बच्चों को बहुत मजे मजे के दे सकते। सो मेरा से हम क्या बनाना सीख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें लाइक शीरी आपा के दीवाने हो वो लोग, क्या है शीरी आपा वो वाली चीज बनाना सिखा। बस वो यही कह के वो कहते हैं ना कि उन्होंने जो मुझे सिखाया, सीखी हुई थी उनसे काफ़ी चीज़ें मैंने, अब ऐसे ऐसे जो मैं कल रात को सोची थी मैंने क्या नहीं सीखा है वो भी सीखना है मेरे, क्योंकि वो अभी तक पछताती हैं कि मैंने ये नहीं सीखा अम्मी से, मैंने वो नहीं सीखा। खैर आज तो मैं आपको इनकी जो स्पेशलिटी है स्ट्रॉबेरी जैम, बिकॉज मैंने सोचा कि स्ट्रॉबेरी सीजन में है तो स्ट्रॉबेरी जैम बनाना जबरदस्त, और स्ट्रॉबेरी इसके जाने के बाद भी सीजन खत्म हो जाएगा तब जैम रहती है पूरा साल, जैम रहती है और बच्चों को कितना पसंद होता पूरा है ये। बाजार की जैम हम तो लाते ही नहीं है, जेली भी घर में बनती है, गुआवा की साफ सुथरी और सस्ती सस्ती। तो हम कैसे सीखेंगे क्या है उसकी चीजें? स्ट्रॉबेरीज 1 किलो मैंने ली है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। 1 किलो लेके और दिखा दे, मैं बस इसको चीज डाल, हाँ चीज डाल के हम ओवन में रख देते हैं, और जब तक आप जो है स्ट्रॉबेरी जैम की तैयारी करें। अच्छा ये वाली जो चीज़ है इस पर, ये थोड़ी सी गर्म हो गई है मुझे लग रहा है, इस पर डाल दो, गर्म चीज़ डालनी है या नहीं? नहीं नॉर्मल रेगुलर चेडर करके डाल, मतलब वो श्रेड करके डालनी है, चेडर चीज़ आपने कहा था ना? जी चेडर चीज़, हाँ ठीक है ठीक है ओके। हमारी थोड़ी सी हमने फ्रोज़न जो थी उसको डिफ्रॉस्ट किया तो थोड़ी ऐसी हो गई, वरना जो है ये आप लोगों ने कद्दूकश करके और इस तरह स्प्रिंकल कर देनी है। ठीक है ठीक है, ये हो गया तैयार, और अब हम ये ओवन में कहाँ रख रहे हैं? अंदर या बाहर? किचन में। किचन एक पतीली देना जैम ये आप टिश्यू लेना। ठीक है, ये नास्तीनों के साथ भी मैंने कुकिंग कर ही ली तो मिशन अकम्प्लिश। आप लोगों को तो बड़ा प्रॉब्लम होता होगा, आपको फैशनेबल स्लीव्स वगैरह तो पहन के आप लोग नहीं कर सकते होंगे कुकिंग। वैसे भी मेरी तो अब उम्र ही नहीं है ये सब पहनने की, सिंपल सीधा सादा सीधा सादा। अच्छा अब हम आपको सिखा रहे हैं स्ट्रॉबेरी जैम जो घर में फ्रेश बना रही है सुमेरा, जो कि ये शीरी आपा की स्पेशलिटी है कि ये स्ट्रॉबेरी जैम बनाती हैं, और अब इनकी बेटी को ज़ाहिर है हर चीज़ जो इन्होंने बनाई है, दुनिया में अपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं वो सारी ट्रांसफ़र इन्होंने विरसे में, कहते हैं ना सुमेरा को क्या दिया, सुमेरा को विरसे में इन्होंने अपनी कुकिंग दी है ना। अच्छा ये 1 किलो तकरीबन 1 किलो स्ट्रॉबेरीज हैं, इनको आपने रात को लाजमी एक रात पहले ला के घर धो के और सेंटर में से हाफ कर लिया, हाफ करने के बाद जितनी स्ट्रॉबेरीज हैं उतनी शुगर है। अच्छा ये हमने इसके वो जो पत्ते थे वो उतार लिए ऊपर से थोड़ा सा बिल्कुल, और उसमें आपने अगर ये 3 पाउच स्ट्रॉबेरीज हैं तो इसमें 3 पाउच चीनी गई है, 3 पाउच चीनी गई है तो 3 पाउच स्ट्रॉबेरीज हैं अगर, और अगर 1 किलो स्ट्रॉबेरीज है 1 किलो 1 किलो, और रात में आपने चीनी में डाल के फ्रिज में रख दिया, और पानी के कुछ भी नहीं है, सब चीनी का पानी है, चीनी का पानी है ओके, और ठंडा ही है बिल्कुल। अब ये चूल्हे पे हम इसको पकाएंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अब इसके लिए हमें नॉन स्टिक पैन नहीं लेना? ले भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इस स्पेसिफिक पैन ले, पतीला भी ले सकते हैं। पता है ये चीज़ बहुत अच्छी है, ख़ासतौर पर जैसे मुझे बहुत होता है कि मैं बच्चों को जैम या इस तरह की चीज़ घर पे बना के दें, ताकि आप नज़र आए ना। जी अच्छा, सारा सिरप के साथ, सिरप के साथ जो है वो चीनी जो बल्कि वो डाल दें। ठीक है, अब हमने इसको कितनी देर तक पका रहे हैं? अब ये पकेगा तकरीबन हाफ एन आवर। अच्छा 40 मिनट्स भी लग सकते हैं, इतना जल्दी हो जाएगी बेटा, कम है ना? कम है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जैसे अगर आप ये आपका पक रहा है तो क्या आपको चूल्हे के ऊपर खड़े रहना पड़ रहा है? यस, क्योंकि अगर कलर नहीं खराब होना चाहिए ना, बिकॉज इसमें हम प्रिजर्वेटिव कोई भी नहीं डालेंगे, ये फिर भी 1 साल रहेगी। अच्छा ठीक है, इसमें सिर्फ लेमन जूस जाएगा अभी नहीं। अच्छा। ये खुद ही पकेगी, इस पे बबल्स आएंगे, बॉयल आएगा, तो थोड़ा सा हाथ से ही अपने हाथ से ही किसी वुडन स्पून से या विस्क से मोटा मोटा इसको मैश करना। अच्छा अगर बिल्कुल घर में पसंद है प्यूरी तो फिर बिल्कुल मैश कर लेना, लेकिन स्ट्रॉबेरी भी तो आता है ना, उससे भी कर सकते हैं, बट स्ट्रॉबेरी की जैम की खासियत यही होती है कि स्ट्रॉबेरी मुंह में आनी चाहिए, तो इसको हम पूरा नहीं ब्लेंड करेंगे। अच्छा अच्छा,
थोड़ा सा बस करके। अच्छा, लेमन जूस हम किस वक्त डालें? लेमन जूस जब ये तैयारी पे होगी। जब ये तैयारी पे होगी तो ये तैयार होता जा रहा है। हम इतनी सारी बातें करते रहेंगे, ब्रेक के दौरान भी हम तैयार करते रहेंगे, क्योंकि हमें अभी जो है ना वो शिरियापा के कमरे में चल के ना उनकी घड़ियाँ, उनकी ज्वेलरी और क्या क्या चीज़ें हैं, कपड़े और शूज, ये सब दिखाना है ना। बहुत छिछोरे हैं हम, छोड़ते नहीं दे रही हैं। शूज़ तो मैं सिर्फ यही फ्लिप फ्लॉप्स ही पहनती हूं। अच्छा, शूज़ का इतना शौक नहीं है? वो ये इधर है शूज़। अच्छा, इधर है। अच्छा, वैसे ये नेचर वाइज इंसान की होती है ना नेचर, कुछ कंजूस होते हैं, कुछ बहुत ही फजूल खर्च होते हैं, कुछ बड़ा संभाल संभाल के करते हैं। तुम्हारी अम्मा की नेचर जो है ना वो क्या है, बता दो। हाँ ना, नहीं, I would only say कि शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रेसिंग अप। अच्छा, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी, बट येस मैं इनको कहती हूँ कम लो, कम लो। कम लेने का मतलब मैं ये नहीं समझती कि मैं कंजूस हूँ। कभी मुझे कह देती है तुम कंजूस हो, बट इट्स नॉट अबाउट कंजूस। मैं कहती हूँ मुझे चीज़ की ज़रूरत है, मैं एक नहीं लूँगी, मैं दो लूँगी, बट इफ़ आई नीड इट एक्स्ट्रा मैं नहीं लेती चीज़। अच्छा, अम्मी लेती हैं एक्स्ट्रा? जी, ये वो अभी आप अंदर जाएंगे तो आपको वो हमें पता चलेगा बिल्कुल। अच्छा, और जो है इनको गुस्सा अगर आता है, अगर अम्मी को तपाना है किसी बात पर, तो सुमेरा ऐसा क्या करेगी, दूसरा कोई बच्चा ऐसा क्या करेगा अम्मी को गुस्सा आ जाए? उनकी चीज़ें इधर उधर कर दें, उनकी स्पेशली कुकिंग की, उनकी रेसिपीज, कोई चीज़ नहीं मिलती तो बस तो फिर गुस्सा। मेरी रेसिपीज को कोई ना हाथ लगाए। अच्छा, अब्बू किस बात पे गुस्सा दिलाते हैं, क्या कभी ऐसा? मम्मी को? हाँ। वो ऐसा क्या करते हैं कि कभी? मम्मी को सिर्फ एक चीज पे गुस्सा आता है अब्बू से, अदरवाइज इन लोगों की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अच्छा। कभी अगर अब्बू गुस्से में, नाराजगी में मम्मी के डोमेस्टिक स्टाफ को कुछ उलट पुलट बोल देते हैं, तो बिकॉज़ वो नाराज होके फिर इधर आ जाए, बस बाकी कोई झगड़ा नहीं। ये तो मेरी भी और यासिर की भी लड़ाई है ना, कि मैं मेरी डोमेस्टिक स्टाफ को कुछ नहीं कह रहा। नेचुरली फिर वी फेस द प्रॉब्लम, बस बाकी और कुछ, क्योंकि वो सारा फिर दिल का हाल जो हमसे करते हैं ना, हमें टैकल करना बिल्कुल नहीं। और एक और बात पे मुझे गुस्सा आता है कि भाई आप आदमी हो, आपका वक्त है घर, आप 11 बजे मैक्सिमम छोड़ दो, वो 1 बजे 2 बजे आराम से, फिर क्लास के टाइम पे वो उनको खाना चाहिए, लड़कियां आ रही हैं खाना खा रहे हैं, आई डोंट लाइक ऑल दिस। सो प्लीज लीव एट 3 to 5। तो वो आपका उस वक्त, आप चाहती हैं कि उस वक्त आपका टाइम हो बस 3 to 5। Exactly. अच्छा, तो वो उस वक्त आते हैं, कभी कभी आपको तंग करने के लिए? नहीं करते, आप समझ लो तंग ही हो गया। हाँ ना, मर्द को हमेशा इंपॉर्टेंस चाहिए होती है। अक्सर मेरे मियाँ सुबह सुबह भी मुझे कहते, देर हो रही होती है ना, आओ मेरे से कॉफ़ी पियो टेरेस में बैठ के। मैंने कहा ये वाली चीज़ हम पूरे दिन नहीं कर सकते, सुबह के वक्त तुम्हें मेरे साथ कॉफ़ी पीनी होती है। एक ब्रेक ले रहे जी, ब्रेक के बाद हम देखेंगे शिरियापा की घड़ियाँ, शिरियापा के कपड़े और बहुत सारी चटपटी बातें, जैसे कि मैं अभी पूरी इनसे पूछे जा रही हूँ, बस थोड़ी सी रह गई है पूछना, वो सब पूछ लूँगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जनाब, हम कामयाब हो गए हैं अनवर साहब को उठाने में, और अब शिरियापा के बेडरूम में हम हैं। माशाल्लाह, इनकी सारी चीज़ें यहीं पे हैं, सारी पर्सनल चीज़ें, तो जो हम आपसे शेयर करने वाले, शिरियापा की कलेक्शन आप देख सकते हैं। शिरियापा बताएं ना, बेड पे हमने सारी सजाई है, जैसे नहीं वो बरी दिखाते हैं, जैसे दिखाते हैं हम 20 साल पहले चले गए दिखा रहे। तो हम जो है वो जो रिस्ट वॉचेस आप इनके शो में देखते हैं, इनको पहने हुए जब ये बात कर रही होती हैं, खाने पका रही होती हैं, तो सारी रिस्ट वॉचेस की कलेक्शन जो है ना, इन्होंने जमा करके बड़े सलीके से इस बॉक्स में रखी हुई थी। अब हम कैसे दिखाते हैं आपको बॉक्स में से, तो हमने जो है वो बिस्तर पे बिछा दी, अनवर साहब को हटा के घड़ियाँ और जेवर बिछा दिए। जी, ये कलेक्शन बताइए ज़रा इसके बारे में।
कुछ रोशनी डालें जी जी आपा कि कहाँ कहाँ से जमा की मेरे स्पॉचेस, कितने गिफ्ट दिए हैं आपको अनवर साहब ने, कितने आपने खुद खरीदी हैं, मेरे फैंस कितने फैंस ने दिए हैं। अच्छा, इसमें फैंस की भी हैं गिफ्ट दी हुई, वाओ। और जो आपके स्टूडेंट्स हैं, हाँ बिल्कुल, वो भी आपको, उनको पता है कि आपको घड़ियाँ पसंद है। अच्छा, तो आप ये डब्बे में बंद रखती हैं कि इसको बार बार चेंज भी करती रहती हैं? चेंज करती, शौक से, जिस तरह लोग ज्वेलरी चेंज करते हैं आप घड़ियाँ चेंज करती हैं। हिम्मत की बात है, माशाल्लाह आई एक्चुअली एनवी है कि ये कर लेती हैं। मुझे तो एक से दूसरे दिन कहीं जाना होता है तो मैं कहती हूँ वही ज्वेलरी में चलो भाई वापस। अब हालांकि है ये नहीं कि कलर नहीं है, इन्हीं का शौक है, बट वो कौन निकाले बेसिकली माशाल्लाह एवरी मॉर्निंग। अब तो खैर इवनिंग हो गया है, पर जब इनका शो मॉर्निंग होता था तो मैं इनको ये देख रही होती थी कि मैं आंखें मसलते हुए बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही होती थी और ये अपना रेडी हर चीज परफेक्ट मैचिंग निकाल के पूरा रात को निकालती है। सुबह अर्ली मॉर्निंग कितने बजे उठती थी जब आप सुबह का शो करती थी? बस फजर पे उठती थी, फजर पे उठती थी नमाज वगैरह पढ़ने के बाद फिर आपने जो है वो घड़ी निकाल, तो यहाँ पे तो फिर अनवर साहब सो रहे होते तो मेरे ड्रेसिंग रूम में होता था ना। अच्छा, फुटर फुटर हो सकती है, यहाँ तो मजाल नहीं है। कुछ अगर भूल, जैसे लॉन के कपड़े यहाँ है सारे, देखे सलीके से लगता है किसी फिलिपिनो ने तय करके क्योंकि हमारी लोकल नाचे थोड़ा देती है ना उस दुखती रख में हाथ तो ये जो है लॉन का जो ये कलेक्शन आप देख रहे हैं माशाल्लाह, तो ये यहाँ से कुछ अगर निकालना है तो ये कपड़े रात को निकाल, कपड़े रात इस्त्री हो जाते हैं ना, लेकिन सुबह यहाँ तंग नहीं होता? नहीं बाबा, नहीं, सवाल ही नहीं है। कभी छुपके से पैरों में कोई चीज भूल गई ड्रेसिंग टेबल पे तो ऐसे? हाँ, तो वो तो मैं आती हूँ, जारी बात है, कमरा तो आखिर मेरा ही है, ही कांट थ्रो में आओ। अच्छा, तो वो जो ज्वेलरी आपके मियाँ ने आपको दी वो तो खैर लॉकर में होगी ना? हाँ, मैं तो नहीं, वो तो मैंने सब बच्चों को दी। अच्छा, वो बच्चों को दे दी? सब बच्चों को। अच्छा, सबको? तो खुद कुछ भी नहीं रखा? थोड़ा बहुत। अब आप ज्यादा गोल्ड वगैरह पे? नहीं नहीं, अब इतना ही सब कुछ आ गया है तो गोल्ड पहनने की। अच्छा, और ज्वेलरी के बारे में बताएंगे, ये कहाँ कहाँ से कलेक्शन जमा की है? इंडिया जाती रहती हूँ। अच्छा, ये इंडिया की है? हाँ, इंडिया लाहौर से बहुत, जब हम मसाला फैमिली फेस्टिवल में जाते हैं। अच्छा, तो लाहौर वगैरह से बहुत लॉर्ज ज्वेलरी इकट्ठा करते हैं। किस चीज पे आप ज्यादा क्रॉकरी के बाद? हाँ, जो आप जिस चीज पर ज्यादा खर्चा? अच्छा, क्रॉकरी का मुझे अभी भी शौक है, लेकिन ये जब से मेरे पास आई है 3 साल से मुझे खरीदने नहीं दी। अच्छा, रखेंगी कहाँ? एंड आई फील, मेरा अपना पर्सनल ये ख्याल है कि पहले जो चीज़ है आप उसको यूज़ करो। अच्छा, फिर नया लाओ। हाँ, अब शौक मुझे भी है, मैं भी जाती हूँ तो मैं भी नई नई चीज़ें लेके आती हूँ, बट आई मेक श्योर कि नई चीज़ जो घर में ना हो वो चीज़, रादर देन आप वही चीज़ लें जो ऑलरेडी। जब ये नहीं होती लाहौर आप जाती ना अकेली, तो वहाँ अकेले ही तो जाती किरण और आप मिलकर शॉपिंग, है ना, मुझे पता आपकी शॉपिंग फ्रेंड। और मैं वापस लाती हूँ और फिर कहती हूँ दिखाऊँ, मैं कहीं मुझे नहीं देखा। अच्छा, ज़्यादा ज्वेलरी में आपको किस चीज़ का शौक है? कंगन का, बुंदों का, हार का? देखिए फिरोजी डब्बा ही अलग है, ये सारे वैसे ये इन्होंने किया हुआ है। हाँ, मुझे भी कोई चीज़ चाहिए होती है, मैं कहती हूँ मुझे वो कलर का चाहिए, वो डब्बा खोल देती हैं, ले लो। फिरोजी डब्बा है पूरा के बीच फिरोजी। आपको आपका फेवरेट कलर फिरोजी है? नहीं, आई लव ग्रीन, आई लव वाइट। हाँ, पूरा डब्बा बनाया हुआ है कि अब मैचिंग करनी है ये, तो फिर ये ईजी हो जाता है, मूड हो रहा है तो ये देखिए सारे बुंदे और हार और सब कुछ एक फिरोजी डब्बे में रखे हुए हैं, कड़े तो ये सब कुछ चीज़ें। अच्छा, ग्रीन का डब्बा अलग है जी, ये ग्रीन, ये पूरा ग्रीन का डब्बा ही देखें ये। अच्छा, आपको स्टोन्स का बहुत शौक है ना? मुझे मैचिंग का शौक है, मैचिंग का शौक है कि अच्छा ग्रीन कपड़े हैं तो ग्रीन होना जरूरी है, ये पूरा जो स्टोन्स है वो कॉन्ट्रास्ट भी करती है। हाँ, जैसे आज मैंने कंट्रास्ट। हाँ, अच्छा ये देखिए ना भाई, एक से एक चीज़। अच्छा, ज़्यादा गोल्ड का शौक है, डायमंड्स का, पत्थर का, किस? स्टोन्स का। स्टोन्स का आपको ज़्यादा, और आपको सूट कौन सा पत्थर करते हैं? मेरा बर्थ स्टोन तो डायमंड है। अच्छा, अप्रैल का। अच्छा, लेकिन मैंने कभी इस तरह नोट नहीं किया, नोट नहीं कोई सूट करता है। अच्छा, और इयररिंग्स वगैरह किस तरह के पसंद है, लटकने वाले या टॉप्स? लटकने वाले, टॉप्स टाइप, टॉप्स या तो फिर बहुत थोड़े से छोटे, लंबे नहीं, लंबे इतने पसंद नहीं है। अच्छा, एज काउंट्स? दिल जवान होना चाहिए, मैं तो दिल तो बहुत जवान, मैं तो सोचा मैं बड़ी लाल लाल लिपस्टिक लगाऊंगी। आप ये लगाती हैं कि नहीं? हाँ, कभी बहुत कम, बहुत कम, कभी अब डार्क लगाना स्टार्ट। साड़ी पहनती है कि नहीं? साड़ी का जिसम नहीं है ना, और साड़ी तो सबको छुपा देता है। नहीं नहीं, अच्छा, और कभी गरारा पहने शादी पे, उसके अलावा बाद में नहीं?
और सिर्फ सलवार कमीज ही आप पहनती हैं लोग, वेस्टर्न या कुछ और इस तरह की चीज़? हाँ, वेस्टर्न पहना है मैंने जब मैं बाहर जाऊँ, छुट्टियों पे जाती हूँ, हाँ, जब मैं पहन। अच्छा, वैसे नहीं? और लोग मुझे कहेंगे कहाँ तो आपा दुपट्टा उड़ती हैं सर पे और कहाँ वेस्टर्न पहन के घूम रही हैं। नहीं भाई। अच्छा, तुम अब आप जो हैं वो अपने सैलून कब कब जाती हैं, बालों का डाई कराना? एवरी संडे। ये मस्ट है हस्बैंड की तरफ से या आपको खुद भी शौक है? नो, हस्बैंड को कोई शौक नहीं, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी। चालीस साल बाद ये आप भी यही सुन रही हैं? मैं तो अभी से ही सुन रही हूँ। मैं तो अब मेरे मियाँ किसी और शो पे जाके अगर उनसे पूछे आपकी निदा आपको कैसे मिली, कोई और बात करें भाई, तब पीछे पड़े गए थे हाथ धो के बुरी तरह, और अब जो है अब आप कोई और बात यही होते हैं घर की मुर्गी दाल। यस, ये जो मुर्गी है बाकियों के लिए मुर्गी है, घर में जो दाल है ना वो जो पीली पतली जेल में मिलती है उससे भी गई गई। हमारी आपकी कहानी एक है, कोई क्या कहे। अच्छा, आपको ज़्यादा सूट क्या करता है, आपको क्या लगता है हेयर कट, लंबे बाल अच्छे लगते हैं आपके ऊपर या शॉर्ट बॉब? हमेशा मेरे शादी से पहले लंबे थे बाल। अच्छा, फिर मैंने कटवा लिए थे, फिर मेरे बस यही है। मेकअप कॉन्शियस हैं थोड़ा के, अब का पक्का मेकअप आर्टिस्ट भी बना हुआ है? बिल्कुल, मेरे को बहुत ये है, बल्कि बहुत सी दफ़ा जब मेरी मेकअप आर्टिस्ट मसाला पे बीमार हो जाती है मेरा बहुत मूड ख़राब, बहुत मूड ख़राब होता है। लेकिन आज जो आपकी मेकअप आर्टिस्ट ने मेरा मेकअप किया है, मैंने कहा वेल डन, वो बहुत हमारी बहुत परफेक्ट और बड़ी अच्छी, सब उससे बड़े खुश होते हैं। इवन के सारा पा भी शायद शाहीन से तैयार होती थी, शहजादी से तैयार, जो आपका मेकअप कर। जी 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 जी, सारा आपा शहजादी से तैयार। अच्छा, लॉन पे हाय कितनी ये देखे ना, बार बार मेरा अलमारी देख के दिल चाह रहा है कि आज ही जाके अलमारी सही करूँ। बड़ी शर्मिंदगी सी हो रही है, कुछ काफ़ी हद तक सही होती, लेकिन आज मेरे मियाँ ने फ़ोन किया, मेरी बेटी तुम पे ही गई है, तुम कपड़े चेंज करती हो वहीं उतार के भाग जाती हो। मैंने कहा वो देर हो रही थी। सब सुधर जाते हैं पता है, जब बड़े होते हैं ना, जब वक्त उन पे पड़ेगा, जब उनका घर होगा, उनका कमरा होगा। मैं अभी तक नहीं सुधरी हूँ, मैं ऐसे ही आती हूँ, जब सुबह निकलती हूँ ना तो वो बहुत जल्दी हो रही होती, तो वही कपड़े ना घर जाते तो उसी हाल में आपको मिलता है? नहीं, वो कर नहीं, तो फिर मेड्स का हाल नहीं, ऐसा नहीं, साफ सुथरा होता है घर। अच्छा, तो लॉन जब आता है, लॉन का सीजन, तो कितना आप कलेक्शन खरीदती है लॉन का? तो बहुत, बिकॉज एक बात सुन, लॉन में इसलिए मैं लॉन पे ज़्यादा पैसा खर्चा करती हूँ, बिकॉज 9 महीने हम कराची में लॉन, बिल्कुल ठीक है, फिर टीवी पे आप मुझे तो कोई स्पॉन्सर नहीं करता, मैं अपने कपड़े खुद ही। फेवरेट आपकी डिज़ाइनर कौन है लॉन की, सबसे अच्छा आपको कौन से लगते हैं कि लॉन? दो तीन हैं, नाम ले दे। रंगरेज के मुझे बहुत पसंद है, सना सफीनाज के बहुत पसंद है, उसके बाद फरा तालिब के बहुत अच्छे। अच्छा, और आप इनके ही ज़्यादातर लेते हैं और? नहीं, मैं ले लेती हूँ जो भी नज़र आते हैं, जैसा इस दफ़ा मैं खाड़ी पे गई और आइडियाज़ पे गई, मुझे बिल्कुल नहीं मज़ा आया। अच्छा, इट वॉज़ इन एंड आउट, ऐसा भी नहीं। हाँ। अच्छा, आपका तो दर्जी है पुराना बना? बहुत पुराना। और दर्जी, और अब तो मेरे साथ ये होता है कि मैं बाजार जाती नहीं हूँ, आपको पता है जो लोग हमारे को तंग करते थे, तो मेरा दर्जी घर आता है, घर से ले जाता है, घर पे आके दे जाता है। अरे, ये तो बड़ा, और करीब ही रहता है मोहम्मद? तारिक रोड पे, तारिक रोड पे ही है, और टाइम पर कपड़े दे देता है, या आप कह रही थी सुबह मेरा शो? एक दिन सुबह देंगे, जब ऐसी लॉन आती है सना सफीना की, मैं कहती हूँ मुझे कल पहनना है बस ये शो के, तो दे भी। अच्छा, कितने कितने दिनों बाद शो के कपड़े आप रिपीट करती हैं? तीन तीन चार चार नहीं, थोड़ा सा हम कपड़े भी तो दिखा। अब तो मैं बहुत रिपीट करती हूँ, पहले मैं इस तरह करती थी, अब तो मैं नहीं करती, तो मैं बहुत रिपीट। ओहो, अब जरा ये डिज़ाइनिंग आप करती हैं या आपका टेलर अपनी मर्जी से? नहीं, ये तो मेरे डिज़ाइनर है समीरा मेहर। समीरा मेहर, उसके छः हैं, प्यारे हैं बड़े, बहुत अच्छे बनाए हैं, और कलर भी कितना प्यारा है, ब्राइट कलर्स भी हैं, लेकिन इस चीज़ का भी ख्याल रखा है कि वो मिक्स एंड मैच अच्छा बनाए हैं ना। ओ अच्छा, और तो ये क्या डिज़ाइनर आपकी क्या ये पहनने को देती है या क्या? नहीं नहीं, आपको बनाए ऑर्डर? हाँ। अच्छा, ये ऑर्डर, और वो फिर कितने दिन में बना के देती हैं आपको? वो बहुत टाइम लगती है, 2 महीना 3 महीना। और एक साथ आप कितने ऑर्डर कर देती हैं फिर? कभी 3 कभी 4। अच्छा, ये सब उसी के हैं कपड़े? हाँ, ये वाइट वाला भी? हाँ, ये भी उसी। आपका कोई वो कहते हैं ना, हर दफ़ा आपका दिल जाता है कि वो जोड़ा पहने, वो कौन सा है? आप कितना अच्छा बनाया है, ये भी इसी ने बनाया है, बटरफ्लाई और ये सब पूरा एप्लीक करके ना, बड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ, बहुत डिफरेंट है, ज़रा मुझे भी इसका नंबर दीजिए। अच्छा, और ये भी दिखाएं ना ज़रा, हम
पर्पल कलर का आपका फेवरेट कलर कौन सा है वैसे? व्हाइट, आई लव व्हाइट। व्हाइट अच्छा लगता है मुझे, व्हाइट बहुत पसंद। अच्छा ये कितना प्यारा है ना, मतलब कलर्स को खेला हुआ है। आप उसको बताती हैं कि मुझे ये चाहिए, वो खुद डिजाइन करें? और कितने अरसे से आप इनसे डिजाइन करवा रही हैं? कितने 15 साल। 15 साल हाँ, से आराम से। ये कमीज है, दुपट्टा है। अच्छा और क्या आप, आपका साइज जो है वो चेंज होता है या एक ही जैसा रहता है? फिटिंग आउट हो जाए तो दुखती हुई रखो नाक पकड़ो। अच्छा नहीं, मैं ऐसे पूछ रही थी कि वो मतलब कि वो चेंज होता रहता होगा ना साइज तो, कि नहीं क्या हुआ? आजकल हम लोगों को फिर डाइट की धुन चढ़ी है। हाँ बस आप देखें डाइट क्या कर रही है, अगर हमें भी बताएं। ईटिंग ऐसी नहीं, फाखा नहीं कर रहे हैं। ये उल्टा है, सीधा कर दूं जरा मैं। ये वाला दिखाती हूँ, मेरा फेवरेट कलर है पीच। अच्छा ये हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा पीच और पिंक की एक अलग ही, ये हमारे कॉम्प्लेक्शन पे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा पेस्टल कलर, लाइम ग्रीन। डाइट अभी क्या शुरू की है डाइट करना? सुबह बताओ, सुबह बॉइल्ड एग, ब्लैक कॉफी, फिर फ्रूट दोपहर के 12 बजे तक, फिर दोपहर में सैलेड और चिकन, फिर रात को फिर सैलेड और चिकन या सैलेड और अंडा। अच्छा ये मैं काफ़ी हद तक मेरी वाली डाइट है। तो जो चिकन और सैलेड खाते हैं आप, तो चिकन क्या बॉइल्ड होती है या स्टीम टाइप? स्टीम। तो हमारी वाली डाइट और वो सैलेड में कोई ड्रेसिंग नहीं, वो आप अपनी मर्जी से लेमन जूस या चाट मसाला डाल लो, बट नो ड्रेसिंग, नथिंग। अच्छा और कौन कौन सी वेजिटेबल्स अलाउ हैं आपको? ग्रीन, मोस्ट ऑफ देम आर ग्रीन्स। या अब मैं, मुझे आप जब बुलाएंगी अपने शो पे नेक्स्ट टाइम, ये शर्त रखिएगा श्रीयापा, मैं आपको उस वक्त बुलाऊंगी जब आपका 10 किलो कम होगा। आप जो है ना हमारे सर आंखों पे हैं, आप 10 किलो बढ़ा भी देंगी तो मैं आप शर्तें रखें हमसे, मैं कौन होती हूँ आपसे शर्त रखने वाली। आप हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं और आप हमारे लिए प्रॉपर मुर्गी हैं, मैं बता रही हूँ। हाँ कहते ना उधर की मुर्गी दाल, नहीं आप हमारे लिए वो जो देसी मुर्गी नहीं होती महंगी जो मिलती है दादा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप लोगों का प्यार है। अच्छा डिप्रेस अगर आप होती हैं तो अपने फैंस को बताएं कि डिप्रेशन को कैसे दूर करती हैं भाई, आप क्या करती हैं? मैं रो लेती हूँ अल्लाह के सामने, रो लेती हूँ नमाज पढ़ के, एंड आई जस्ट क्राई, आई जस्ट क्राई। अम्मी ज्यादा रोती हुए हैं कि नहीं है? अम्मी रोती हुए हैं ज्यादा कि नहीं? वो खानदानी है जैसे मैं भी बहुत रोती हूँ। अच्छा मेरे अब्बू कहते थे तुम जब एक्टिंग कर रही होती हो ड्रामे में तो हंसने और बाकी सब प्रॉब्लम, रोने में तुम्हें ग्लिसरीन की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये मेरे दिल का मामला है जो हम सेंसिटिव होते हैं, हमारी आंखों में जल्दी आंसू आ जाते, छोटी छोटी बात पे आ जाते। अभी शुरू में ये कह रही थी ना कि जिंदगी में सिर्फ खुशियां नहीं होती, डिप्रेशन भी हैं और मैंने बहुत झेला, तो मुझे इनकी आंखों के साथ साथ मुझे भी आंसू आ रहे हैं। अच्छा ये तो खड़ी हो गई, सुमेरा को आप क्या सिखाती हैं कि वो खड़ी हो, जिंदगी से लड़े और मुकाबला करे? ये भी लड़ी रही है सिंस लास्ट 3 इयर्स शी इज़ विद मी, और ये भी लड़ी रही है और लेकिन साबिर बहुत है मेरी बच्ची, इसने अपने घर में 14 साल बहुत सब्र किया। जिस तरह मैं लड़कियों को कहती हूँ कि सब्र करना चाहिए, अपना घर कोशिश करें बनाएं, लेकिन जब मतलब आप जब आप देखें कि हर चीज हाथ से निकल गई है, देन यू हैव नो चॉइस, क्योंकि आप रोज रो रहे हैं, आप रोज डिप्रेशन अपना बच्चों पे निकालेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर जरा सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मियाँ ने अगर कुछ जोर से बात कर दिया तुम्हारी गलती पे, तो तुम घर छोड़ के चली जाओ, ऐसा भी नहीं होता है ना, ऐसा भी नहीं होता। सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती है जो कि सुमेरा ने बहुत की है। आपने 14 साल देखा सुमेरा को, समझा समझा के, और मैं इसको शुरू से कहती थी सुमेरा आ जाओ छोड़ दो, लेकिन ये हमेशा कहती थी नहीं मम्मी एक दिन मेरा होगा। लेकिन क्योंकि इससे शुरू से देखा है ना, आप हर चीज में सब्र करती नहीं है, तो बेटियां जो है माँ से पिक करती है, मगर कभी कभार। मैंने तो खैर 40 साल से सब्र किया, लेकिन अभी भी मैं अल्लाह से यही कहती हूँ कि इंशाल्लाह अभी भी अच्छा ही होगा, बेहतर ही होगा। और पता है वो अल्लाह ताला उसका जो कहते हैं ना, अगर आप को वो चीज नहीं मिली थी, वो आपके बच्चों को मिलती है। बिल्कुल, इंशाल्लाह बच्चों का अगर अच्छा हो जाए तो हमारा दिल सुकून में आ जाएगा। और वो वाली बात है, आज वुमेंस डे है, सुमेरा स्ट्रॉन्ग लड़की है, खड़ी हुई है और डिप्रेस नहीं है, अपनी डिप्रेशन सारा कुकिंग में वो ट्रांसफर कर लेती है। मतलब एक इसकी ट्विन्स बेटियां हैं, तो वो इसको बहुत सपोर्ट करती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप
इंशाल्लाह आपके जो मुश्किल चीज़ें हैं वो सारी सेटल डाउन हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं श्री आपा की वजह से भी, और अब तो आप भी माशाल्लाह लोगों को सर्व कर रही हैं इस तरह के, उनको कुकिंग सिखा रही हैं, तो वो दुआएं आपको जो है ना वो सुकून देंगी जिंदगी में, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। और अल्लाह आपका हाथ बिल्कुल हमेशा पकड़े रहेंगे, बिकॉज़ वो कहते हैं ना कि माँ से 70 गुना ज़्यादा अल्लाह चाहते हैं, तो हम कभी यही सोचते हैं माँ अपनी औलाद का कभी भी नहीं बुरा चाहती, तो फिर अल्लाह तो चाह ही नहीं सकते ना। वही वाली बात वो एक वक्त होता अपनी औरतों को वैल्यू करना चाहिए, चाहे वो सास हो, चाहे वो मियाँ हो, चाहे वो ससुराल वाले हो, आप अपनी बहू को वैल्यू देंगे। आई ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग निदा, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि हर किसी हर औरत के लिए, कि हर मर्द के लिए भी ये, कि अगर आप शादी करें तो सोच समझ के शादी करें, कि भाई देखें बीवी की जगह माँ नहीं ले सकती, माँ की जगह दोनों की अपनी अपनी जगह है। एग्जैक्टली डे वन अगर आपने बता दिया कि भाई शी इज़ माई वाइफ, किसी को अथॉरिटी नहीं है, रिस्पेक्ट हर, बस प्यार मोहब्बत सब अलग, ओनली रिस्पेक्ट, वो डे वन अगर आपने रिस्पेक्ट लेवल उसको दे दिया तो किसी की मजाल नहीं है कि वो आपके घर में या ससुराल में आपकी वाइफ को कुछ भी कहे। एग्जैक्टली सारी जिंदगी औरतें सफ़र इसीलिए करती हैं क्योंकि वो इसी चीज़ का फायदा उठाया जाता है कि भाई इसको तो हम कुछ भी कह सकते हैं, मियाँ ने तो बेटे ने तो भाई ने तो कुछ कहना नहीं। एक्चुअली घर में इज्जत बनाने वाला आपका मियाँ हस्बैंड, जब आप सारा काम मेन रोल जो है ना वो हस्बैंड का, और मैं कहती हूँ घर भी जो है ना वो हस्बैंड के ऊपर, और मैं ये नहीं कह रही बदतमीजी करे लड़ाई का, नो जस्ट बी फर्म कि शी इज माय वाइफ, इसकी अपनी रिस्पेक्ट है, आप मेरी बहन है, आप मेरी अम्मी है, आपकी अपनी रिस्पेक्ट। जैसे जैसे शादी होकर लड़की जाती है तो मियाँ उसको समझाता है ना, मेरी अम्मी की रिस्पेक्ट करनी है, तुमने मेरी बहन के ये करनी है वो करना है, उसी तरह उनको थोड़ा फैमिली वालों को बता दें तो फिर कभी कोई इशू ही नहीं होगा। किस मियाँ बीवी में बातचीत लड़ाई झगड़ा नहीं होता, हर किसी में होता है बिल्कुल, बट जहाँ आके औरतें वीक पड़ जाती है ना जब उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती, एक ब्रेक जी, ब्रेक के बाद बड़ी जबरदस्त चीजें तैयार हुई है, फिर आप जेलस होंगे, खुशबू यहाँ तक पहुँची है, तो क्या क्या है वो टेबल पे सजा होगा, सुमेरा और श्रीयापा ने बड़ी चीजें बनाई हुई है, हे आज तो मुझे डाइटिंग तोड़नी पड़ेगी, तोड़ दूँ क्या ख्याल है, चलिए मुझे मैसेज करके बताएं, चलिए मैसेज करके बताएं, आज तोड़ दूँ डाइट डॉक्टर ज़ुबैर, तोड़ दूँ डाइट। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक चिर से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ बहुत मज़े मज़े की चीज़ें टेबल पर देखने के लिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, यहाँ मैं बैठी हूँ श्री अनवर श्री आपा के घर पे, और उन्होंने अपने हाथों से सुमेरा ने, और उन्होंने जो है मेरे लिए केक बेक किया है, और इतने मजे मजे के खाने, तो आज तो मैं डाइट आपके सामने बता रही हूँ, आज मैं डाइट तोड़ रही हूँ सुबह के वक्त, और उसके बाद मैं दोपहर में जाके मेंटेन कर लूँगी, या रात को कुछ क्विट कर लूँगी, सैलेड खा लूँगी कुछ ऐसा। मैम तो क्या क्या बनाया जरा बताया ना, ये क्या है इस केक का नाम क्या है? पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक। पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक, अच्छा, और वो क्या है? वो हमारे मेमन, हम लोग मेमन हैं, अच्छा, तो वो हमारी स्पेशलिटी आलू के बोंडे को कहते हैं, आलू के बोंडे, बोंडे हर अच्छा। रमजान में भी ये बनते हैं, तो अब रमजान मुझे लग रहा है बटाटा वड़ा उसी तरह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इमली की चटनी के साथ, और ये पिज्जा रोल है, पिज्जा रोल, पिज्जा की फिलिंग के साथ रोल, ये सब चीजें घर में, सब हमारे घर में बाहर से खाना नहीं पसंद किया जाता, स्नैक्स भी जो एवरीथिंग, ये बेकरी आइटम्स नहीं आते आपके पास? कभी शौक से खुद खाना है तो आ जाते हैं, बट मेहमानों के लिए नहीं, मेहमानों के लिए घर में तैयार होता है। घर में खाने का क्या रूटीन है, कौन कुकिंग करता है? मम्मी की नहीं, हम लोग रोज नहीं करते, कभी ओकेजनली कर लेते हैं, जैसे
बच्चे अगर कभी ताना दे देंगे मैं केटरिंग भी करती हूँ। अच्छा। तो केटरिंग का तो बन रहा है, क्लासेस का बन रहा है, हमारे लिए नहीं बनता। अच्छा। बल्कि हमारी मेड है, वो पुरानी मेड है, वो भी यही ताने देती है कि बच्चों के लिए कुछ नहीं बनाते हो, सारा वक्त सबके लिए बना रहे होते हो। अच्छा, जैसे अगर मैं ये पूछूँ कि जो आपके खानसामा आते हैं उनको आप ट्रेन करती हैं फिर अपने हिसाब से? मेरा एक खानसामा था मेरे पास 9 साल। अच्छा, अब वो चला गया 1 साल के लिए कहीं तबली। हाँ, मैं ले लूँ? हाँ, प्लीज प्लीज। बड़ी नदी दी हुई उसने। प्लीज लो ले, घर का अच्छा खाना हो। हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा चखूंगी। हाँ, बहुत दिनों से वो डाइट पर हूँ ना, तो वो क्रेविंग बंदे को होती है ना। यस, तो मुझे तो पिज्जा रोल लाइट है, बहुत लाइट है नेता। मुझे अच्छा। ख्याल नहीं रहा कि आप डाइट पे हो, अदरवाइज मैं इसको बेक करवा देती। नहीं, खैर है, मैं बैलेंस कर लेती। आपका बर्थडे कब होता है? मेरा तो भी अगले साल आएगा, जनवरी। अच्छा, शुक्र है अभी टाइम है जरा एज बढ़ने में। अच्छा, हाँ, मम्मी आपका बर्थडे केक वो चला गया, उसको मैंने पूरा ट्रेन किया। अच्छा, अब तो मुझे सिर्फ ऑर्डर देना होता था कि बस आप ये बना लो। तो अब नाउ ही इज नॉट विद मी, सो आजकल मुझे बहुत हार्ड टाइम हो रहा है मुझे, बिकॉज नेचुरली आपको, वरना मेरी मेड है मेरे पास 20 साल पुरानी है, उसने सब सीख ली है। अच्छा, बट नाउ शी इज बिकमिंग ओल्ड, तो वो इच्छा नहीं कर पाती। अच्छा अच्छा। लेकिन मेरा कुकिंग का जो दिन होता है ना, दैट्स ओनली संडे, आई कुक ओनली ऑन संडे, हमेशा से, बिकॉज बच्चियाँ आती हैं मेरी, दामाद आते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं, इसलिए। और उस दिन क्या बनता? फरमाइश, मैं उनसे पूछ लेती हूँ सबसे, तो सब अपनी अपनी फरमाइश बताते हैं, फिर मैं 4-5 चीज बना लेती हूँ। ओह वाओ, ये बहुत मजे का। और मैं सोच रही हूँ कि मैं भी घर में बनाऊँ, क्योंकि बच्चों को पिज्जा पसंद होता है। बिल्कुल, तो इसकी रेसिपी बताओ क्या क्या। बिल्कुल, मैं बताती हूँ। और इसके अलावा आप ये स्नैक में भी तो बच्चों को दे सकते हो। और रात को जब ये कल बनाए थे, जब ये बने तो मेरी जो बेटी है उसने अवन में बेक करके खाए। ये बेक भी हो सकते हैं, फ्राई भी हो सकते हैं। कैसे बना? तेल गरम किया आपने, उसके अंदर थोड़ा सा लहसुन डाला और चिकन के छोटे छोटे क्यूब, कीमा नहीं, छोटे क्यूब डाल के उसको आपने फ्राई कर लिया। उसके बाद आपने उसमें पिज्जा सॉस डाली, ऑलिव्स डाले, कॉर्न डाले, कैप्सिकम डाला, मशरूम डाला, टोटल पिज्जा का सामान, ऑरिगैनो लीव स्प्रिंकल किए। और जब थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, चूल्हा बंद करके, उसके बाद उसमें मुजरेला चीज डालनी है। तो जब आप फिर खाते हो तो वो चीज ही साफ टच आता है। और फिर मांडा पट्टी में लपेट दिया, बिल्कुल रोल बनाए, समोसा बनाए, क्रीज कर लें इसको, आराम से फ्रीज हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज है कि ये बच्चों को पिज्जा का डेवलप हुआ हुआ था, टेस्ट बड़ा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और ये आपके लिए ब्रेकफास्ट के लिए मैं जैम और वो टोस्ट भी रखी है, आप ये भी चखना। बन गई है जैम? जी बिल्कुल, जैम रेडी है। कल कैसी है इसकी, देखूं जरा मैं। हाँ, अभी तो गर्म है अभी। कलर आप देखो इसका, बहुत जबरदस्त है भाई। थोड़ी सी गर्म है, आप फिर उसको टोस्ट के साथ खाना। अब मैं भी डाइटिंग नहीं तोड़ सकती, केक भी खाऊं, मुझे बिल्कुल एक बाइट चाहिए केक का, क्योंकि वो मैंने पूरा रोल खा लिया है। कोई बात नहीं, खा लो, कल से फिर शुरू है। श्रीयापा, बड़ा मेंटेन करना, बड़ा डाइट तो बंदा कर लेता है, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो सुमेरा ने बेक किया है जी, आप वो भी ट्राई करना। बस सॉफ्ट, बहुत मजेदार। ये कैसे बनाया सुमेरा? इसके लिए इधर बल्कि पैन भी था रखा हुआ आपको दिखाने के लिए, पाइन एप्पल अपसाइड डाउन इसका पैन होता है। पहले उसमें आप ब्राउन शुगर डालो, बटर डालो एंड पाइन एप्पल होल स्लाइसेस को अरेंज कर लो। अच्छा। उसके बीच में आप चेरी रख दो, फिर आप मक्खन बीट करो चीनी के साथ। अच्छा। अच्छे से जब प्रॉपर वो अच्छा बीट हो जाए, फिर उसमें अंडे डालो एक वन बाय वन करके, साथ में आप मैदा और बेकिंग पाउडर अलग से सीव करके रख दो, फिर वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली फोल्ड करो। अच्छा। जो पाइन एप्पल के कैन का ही जूस है, वो जूस या मिल्क जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो अच्छा। थोड़ा सा डाल के उसको मिक्स करें एंड फिर पैन में। ये इतना सॉफ्ट कैसे है, इसमें ऐसी क्या चीज़ है? जब हम बाजार से खरीदते तो वो बहुत सख्त होते हैं। इसका बैटर मैंने लाइट बीटिंग से भी फर्क पड़ता है। अच्छा। हाँ। ज्यादा बीट करने से सॉफ्ट रहती है? नहीं 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 नहीं, सिर्फ डालो नहीं, ओवर बीटिंग से केक हार्ड हो जाता है। ओवर बीटिंग से। अच्छा, तो बीटिंग हैज टू बी प्रॉपर। और मैंने इसमें पाइनएप्पल सिरप डाला है, जो कैन का ही सिरप था ना उसका। ठीक है, आइए, जब इतनी मेहनत से बनाया सब कुछ टेस्ट करना, बिल्कुल बनता है ना। अच्छा जी, वो आप चटनी भी कर की। अच्छा, ये अच्छा, क्या नाम है इसका दोबारा बताइएगा? आलू के बोंडे भी इसको कहते हैं, आलू के वड़े भी कहते हैं। आलू के बोंडे? हाँ, वड़े भी कहते हैं। हाँ, वड़े, आलू के वड़े। ठीक है, इनकी रेसिपी भी बता दें जरा। इसके लिए आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से। ये मेरी किताब है। सो मच,
वाओ जबरदस्त है ये तो वो सारी कॉन्टिनेंटल चीजें व्हिच यू विल एंजॉय कुकिंग एंड वेरी इजी कितनी जबरदस्त है ये तो मतलब मेरे घर में बहुत शौक है सबको इस तरह की खानों का ना तो ये तो बहुत प्रेशियस गिफ्ट है मेरे लिए मम्मी की वही होती है ना जो क्विक एंड इजी बन जाती है बहुत सारी अभी जैसे आपने बेक डिश बनाई जी 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 कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं होती नहीं नहीं बहुत थैंक यू बहुत शुक्रिया कि मेरे लिए बहुत प्रेशियस है आलू वड़ा घर में चट रहा हूं चटनी भी घर में बनाई है किताब भी खरीद लो मसाला मॉर्निंग्स की अच्छा मसाला की तरफ से मेरी बुक है मसाला मॉर्निंग की उमर्स बाय दैट आल्सो ने का उसमें मेरी सारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेसिपीज है जो शो पे सिखाई है ट्रेन करती हूं मैं अपने जो कुकिंग जो कुक कर रहे होते हैं घर में उनको ट्रेन करती हूँ तो उनके लिए तो बहुत अच्छा मैं पढ़ पढ़ के बताती रहूँगी अच्छा वेरी पेशेंस है आपने जी मैं 10 साल से मेरी जो कुक हैं वो सारे खाने पकाना सीख चुकी हैं जो मैंने शेफ महबूब से सीखे थे या मैंने जुबैदा आपा से सीखे थे तो वो मैं उनको काफ़ी ट्रेन कर चुकी हूँ ये बटाटा वड़ा की रेसिपी बता दो जाने से पहले पहले बहुत मजे की और चटनी भी बहुत अच्छी है हाँ भाई आप कब आ रही हैं क्लासेस पे पहले ये बता दें मैं अपनी बेटी को भेजूंगी मैं कहूंगी तुम मुझे पका पका के खिलाओ आलू आपने लेके मैश करने मैश करके एक साइड पे रख लिया फिर आपने तेल गरम किया उसमें बघार डाला कड़ी पत्ता और राई का नमक हल्दी ये सब कुछ डाल के तो लेमन जूस ये सब कुछ डाल के आपने उसको मिक्स कर लिया आलू सारे उसमें बहुत सिंपल है ये आलू डाल के अच्छे से मिक्स किया उसके बाद ऊपर से हरा धनिया हरी मिर्चें डाल दी ठंडा करके आपने छोटे बॉल्स बना लिए तलने के लिए आपने बेसन लेना है बेसन लेके मुझे अनारदाना का भी फ्लेवर आ रहा है नहीं राई है राई की वजह से खटास है अच्छा और आपने फिर बेसन लेना है बेसन के अंदर थोड़ा सा नमक और लाल मिर्ची डाल के उसको मिक्स जैसे भिगो लिया पकौड़ों के लिए फिर इन वड़ों को उसमें डिप करके और फिर डीप फ्राई करना है जबरदस्त थैंक यू सो मच आप लोगों का कि अपनी इतनी पर्सनल चीज़ें पर्सनल बातें अपना घर हमसे शेयर किया आपके फैंस से शेयर किया अल्लाह करे आप हमेशा खुश रहें आप लोग और आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट कि हम आपको हंसता मुस्कुराता देख के खुद खुश होते हैं थैंक यू सो मच मैं ARY नेटवर्क का भी स्पेशली आपका डिजिटल का बहुत थैंक यू कि आपने हम लोग को वुमेंस डे पे इतना बड़ा ऑनर किया और आप मेरे घर आए थैंक यू सो मच नेता मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे इतना क्लोजली मिलूँ और चिटचैट करूँ आज अल्लाह ताला ने वो भी पूरा किया और वो तो मैं बहुत सारी आपकी रोज़ मिलने वाली तक कुछ नहीं जानती जितनी मैं जानती हूँ और आप भी जान गए अब तो हमारी बातों से तो थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगर आपके कोई मर्द घर पर हैं प्लीज़ अपनी बेगमात को अपनी बहनों को अपनी माओं को इज्जत दें उनको वैल्यू करें क्योंकि अगर वो इस दुनिया में हैं तो आप हैं वरना कहाँ से आते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान अल्लाह हाफिज़